जैसा कि आप जानते हैं, हम ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव वाली बुक को कवर कर रहे हैं। हमने 3 दिनों को कवर किया है, जिसमें कि प्राचीन भारतीय इतिहास को हमने कवर कर लिया है। आज हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास लगभग कवर हो जाएगा। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा हॉल 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, और अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा है पिछले के तो जाकर के जरूर देखिए, आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम दिल्ली सल्तनत यानी कि सल्तनत काल से स्टार्ट करेंगे, जो कि सल्तनत काल की अगर बात करें तो 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी यानी कि मुगल काल, सल्तनत काल से लेकर हम मुगल काल से, मुगल काल जब से स्टार्ट होता है यानी कि 1526 ईस्वी में, तब तक के इतिहास को यहां पर कवर करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण करके सुल्तान कहलाने वाला पहला शासक बना था? तो याद रखिएगा, ये महमूद गजनवी था। कौन था? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के सभी आक्रमण जो कि 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच में हुए, उनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो याद रखिएगा, सोमनाथ मंदिर पर जो उसने आक्रमण किया था, महमूद गजनवी लुटेरा ने जो सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण इसने किया था 1025-26 के ईस्वी के आसपास, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण यही आक्रमण था। ठीक है, आगे देखिए, कहा जा रहा है महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य था मध्य एशिया एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो अलबरूनी की ग्रंथ है किताब उल हिंद, और अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा करी गई थी। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसकी मृत्यु चौगान या फिर पोलो खेलते हुए हुई थी। ठीक है, देखिए कहा जा रहा है कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। आगे देखिए, तराइन की पहली लड़ाई जो कि 1191 में हुई थी, किसके बीच हुई थी? तो जो तराइन की पहली लड़ाई है वो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। तराइन की पहली लड़ाई जो कि 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। अब देखिए कहा जा रहा है किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या, और ये ससुर भी था और चाचा भी था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा करा था। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्न में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। मोहम्मद गौरी ने जितने प्रदेश जीते थे उनमें से किसे अपने विश्वसनीय जनरल को यहां पर छोड़ करके गया था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, जो कि सांकेतिक मुद्रा है, टोकन करेंसी प्रचलित की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत फेमस भी। मोहम्मद बिन तुगलक ने याद रखिएगा, एमबीटी ने टोकन करेंसी चलाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया?
तो ये मोहम्मद बिन तुगलक को ही, दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। अब आगे देखिए, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो इनाम भूमि सल्तनत काल में विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक या फिर दिल्ली पर राज करने वाली पहली महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, अब देखिए, दिल्ली के प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे, जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया। दिल्ली के पहले सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया। यात्री इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था। भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किसने किया था? तो भारत पर पहला तुर्क आक्रमण महमूद गजनवी ने किया था। इसके साथ अलबरूनी आया था, जिसने किताबुल हिंद की रचना करी थी। अच्छा, कौन अपने को बूत सिकन यानी कि मूर्ति भंजक कहता था? तो याद रखिएगा, मूर्ति भंजक अपने आप को कहने वाला महमूद गजनवी ही था। बूत सिकन जिसे कहा जाता है, बूत सिकन यानी कि मूर्ति तोड़ने वाला महमूद गजनवी। अब आगे देखिए, कहा जा रहा है महमूद गजनवी ने कौन से उपाधि धारण किए थे? तो महमूद गजनवी ने यामीन उद्दौला यानी कि साम्राज्य का दाहिना हाथ, और अमीन उल मिल्लत यानी कि मुसलमानों का संरक्षक, इन दोनों की उपाधि महमूद गजनवी ने धारण करी थी। महमूद गजनवी ने भारत में पहला आक्रमण हिंदूशाही यानी कि ब्राह्मण शाही राज्य के विरुद्ध किया था। हिंदूशाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? हिंदूशाही राज्य की राजधानी उदय भांडपुर ओहिंद या फिर वहिंद कहिए, तो हिंदूशाही राज्य की राजधानी थी। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। हिंदूशाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश उन्होंने आत्मदाह कर लिया था? तो ऐसा करने वाले जयपाल थे। याद रखिएगा, हिंदूशाही राज्य का राजा जयपाल, जिसकी तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश यानी कि अपने आप में जो ग्लानि का भाव होता है उसके कारण उसने आत्मदाह कर लिया था। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि महमूद गजनवी किस वंश का था? तो याद रखिएगा, महमूद गजनवी जो था ये आपके यामिनी वंश का था। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? तो याद रखिएगा, महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे लेखक अलबरूनी, जिसने किताबुल हिंद की रचना करी थी। उत्बी आए थे, जिन्होंने तारीख ए यामिनी की रचना करी थी। और वैहाकी आया था, जिन्होंने तारीख ए सुबुक्तगीन की भी रचना करी थी। याद रखिएगा, तो महमूद गजनवी के साथ फिरदौसी नहीं आया था, और फिरदौसी ने लिखा है शाहनामा। याद रखिएगा, अलबरूनी की पुस्तक का नाम किताबुल हिंद, उत्बी की पुस्तक का नाम तारीख ए यामिनी, और वैहाकी की पुस्तक का नाम तारीख ए सुबुक्तगीन। तो अलबरूनी, उत्बी, वैहाकी ये सब महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले लेखक थे। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर? तो याद रखिएगा, लाहौर जो था वो फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप लाहौर शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था। किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों को भयानक चित्रण किया है? तो ऐसा इब्न बतूता ने किया था। किसने? इब्न बतूता ने ऐसा किया था। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। एकताधारी प्रथा जो है किसने चलाई? एकताधारी प्रथा इल्तुतमिश ने चलाया था। एकता दे दिया जाता था और इक्तेदार नियुक्त किए जाते थे।
जिला जैसा, ठीक है। तो इक्तादारी प्रथा इल्तुतमिश ने चलाया था। इक्तादारी प्रथा किसने चलाया? इल्तुतमिश ने चलाया। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो लाख बख्श के नाम से जाना जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श के नाम से जाना जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि लाखों की दान देने वाला, लाखों की दान देने वाला। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी खान होता था। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी खान होता था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? तो इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया, पूरा किसने किया? इल्तुतमिश ने। दिल्ली का, यहाँ पर दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, याद रखिएगा। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। दिल्ली का पहला गयासुद्दीन तुगलक। अब देखिए, पंजाब के हिंदूशाही राजवंश को कल्लर ने स्थापित किया था। पंजाब के हिंदूशाही राजवंश को कल्लर ने स्थापित किया था। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ बहलोल लोदी के बारे में कहा गया है। यह संदर्भ किसके बारे में? बहलोल लोदी के बारे में कहा गया है। आगे देखिए, अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ शासनकाल में इतिहासकार था। तो ये तो बात हम जानते हैं। आगे देखते हैं, ये जो यहाँ पर देख रहे हैं निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत था। निजामुद्दीन औलिया जो था एक सूफी संत था, याद रखिएगा। मलिक कफूर हजार दिनारी भी कहलाता था। मलिक कफूर को हजार दिनारी भी कहते थे। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी नियंत्रित दाम व राशन की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने करी और फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दास राजवंश को इसने उखाड़ फेंका था। निजामुद्दीन औलिया कौन था? तो निजामुद्दीन औलिया था, सूफी संत था। मलिक कफूर हजार दिनारी भी कहलाता था। अलाउद्दीन खिलजी नियंत्रित दाम व राशन की शुरुआत इसने करी और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दास राजवंश को उखाड़ फेंका। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौन सा शासक गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो हुमायूं मुगल से था, अकबर मुगल, शाहजहां मुगल, लेकिन गुलाम राजवंश से इल्तुतमिश शामिल था। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, जो कि मोरक्को का यात्री था। अब आगे देखिए, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए 1000 से 1026 ईस्वी के बीच, ठीक है। भारत पर 17 बार इसने आक्रमण किया था। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो खलीफा घोषित करने वाला था, खुद को खलीफा घोषित करने वाला मुबारक शाह खिलजी, याद रखिएगा। खुद को खलीफा घोषित मुबारक शाह खिलजी ने करा था। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। अब देखिए, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या फिर मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी। भारतीय इतिहास में बाजार नियम और मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने करा था। आगे देखिए, कहा जा रहा है राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध अलाउद्दीन खिलजी ने करा था। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किसने करा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करा था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने करा था। अब आगे देखिए, कहा जा रहा है कि अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या फिर तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? तो इसमें भारतीय गणित, भारतीय इतिहास और भूगोल, खगोल विज्ञान, दर्शन, इन सभी की चर्चा इसमें करी गई है। तो याद रखिएगा, इनमें से सभी। अलबरूनी का पूरा नाम क्या था? अलबरूनी का पूरा नाम जो था आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, अलबरूनी का पूरा नाम अबू रैहान मोहम्मद था। अबू रैहान मोहम्मद अलबरूनी, अलबरूनी का पूरा नाम अबू रैहान मोहम्मद अलबरूनी था। अलबरूनी के अनुसार अत्यंज यानी कि चतुर्वर्ण का के नीचे का वर्ग शामिल था कौन सा भैया? तो देखिए, धोबी, मोची, जादूगर, डालिया, ढाल बनाने वाला, नाविक, मछुआ, व्याध, जुलाहा, ये सभी था, ठीक है। अत्यंज यानी कि चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ग, चतुर्वर्ण में जो नीचे का वर्ग था, ये सभी के सभी अलबरूनी के अनुसार थे, ठीक है, अलबरूनी के अनुसार थे। अब आगे देखिए, कहा जा रहा है 11वीं सदी के भारत का दर्पण किताब उल हिंद को कहा जाता है, जो कि अलबरूनी ने लिखा था। किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ, ठीक है। और अलबरूनी का पूरा नाम अबू रैहान मोहम्मद था। अब देखिए, वह हिंद का युद्ध जो था, जो कि 1008-09 में हुआ था, किसके बीच लड़ा गया था? तो वह हिंद का युद्ध महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच लड़ा गया था। वह हिंद का युद्ध महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच लड़ा गया था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने स्थायी सेना रखी,
तो ये अलाउद्दीन खिलजी ही था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान ये अलाउद्दीन खिलजी ही था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाबत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार की, एक एक करके देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए, बिल्कुल सही बात है। इसने ही मूल्य नियंत्रण पर काम किया था, बाजार में जो नियम कानून है इसी ने लाया था। इस अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया, ये भी सही है। और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों के द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था, ये भी सही है। अब आगे देखिए, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया था, तो ये कौन था भाई, ये था आपका खिज्र खां सैयद। याद रखिएगा खिज्र खां सैयद, सैयद बंधु में से सैयद राजवंश की जिसने स्थापना करी थी। तो याद रखिएगा किस सुल्तान ने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में यानी कि उसके अधीन में आना स्वीकार किया था, तो ये था आपका खिज्र खां सैयद। कौन था, खिज्र खां सैयद। और देखिए गुलरुखी के उपनाम से कविताएं कौन लिखा करता था, तो सिकंदर लोधी जिसने कि आगरा की स्थापना करी थी। गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था सिकंदर लोधी जिसने आगरा की स्थापना करी थी। देखिए कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है, मतलब झूठा है, कौन सा कथन। या देखिए इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया था, तो ये बिल्कुल सही बात है। 1236 ईस्वी में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी। उसने हबसी सरदार मलिक याकूत को, याद रखिएगा मलिक याकूत को नायब मुमलिकात के पद पर भी उसे नियुक्त किया था, याद रखिएगा नायब मुमलिकात के पद पर नियुक्त किया था। और रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया था, यह गलत है, ठीक है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है। या देखिए उसने बलबन ने चालीसा दल यानी कि तुर्कान चहलगामी संबंधित सामंतों का दमन किया था, तो इसने जैसा किया था चालीसा दल तुर्कान चहलगामी का दमन किया था। कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी, याद रखिएगा बलबन ने कानून और व्यवस्था की बहाली के लिए लौह एवं रक्त की नीति भी अपनाई थी। और उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना भी करी थी, तो याद रखिएगा तीनों के तीनों सही हैं। अब आगे देखिए कहा जा रहा है कि यहां पर वंशों का सही वर्णन क्या है, तो सबसे पहले गुलाम वंश आया, उसके बाद खिलजी वंश आया, उसके बाद आपका तुगलक वंश आया था, ठीक है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और फिर सैयद वंश और लास्ट में आपका लोदी वंश आया था, ठीक है। याद रखिएगा गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश सबसे लास्ट में आया था, गुलाम वंश की अगर बात करें, ठीक है। गुलाम वंश, इसके बाद तो मुगल वंश आ गया था। देखिए मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ था, देखिए मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का परिणाम कौन सा नहीं हुआ था, तो पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता में अधीन हो गया था, ऐसा नहीं है, वहाँ उस समय अलग अलग थे। अब इसके बाद देखिए भू राजस्व से प्राप्त आर्थिक साधन अब प्रत्यक्ष रूप से शासक के हाथों में केंद्रित हो गया था, यह सही है। उत्तरी भारत में एक नगरीय क्रांति का सूत्रपात हुआ, यह भी सही है। तो मोहम्मद गौरी के आक्रमण का कौन सा परिणाम सही नहीं है, परिणाम नहीं हुआ, तो यह वाला नहीं था बल्कि दोनों था। अब देखिए तुर्कों के द्वारा, यहां पर कहा जा रहा है कि तुर्कों द्वारा राजपूत को पराजित करने के निम्न में कौन से कारण थे, तो देखिए तुर्कों के द्वारा राजपूत को पराजित क्यों किया गया, तो यहां से उनके समाज का पृथकतावादी और एवं अनुदार होना, देखिए राजपूतों के समाज का पृथकता मतलब अलग अलग होने के कारण ऐसा हुआ था, ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अवनति यानी कि डिमोशन हो रहा था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। उसके बाद देखिए असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, तो ये सभी कारण थे जिसके कारण राजपूतों का पराजित हुआ था तुर्कों के द्वारा, तो अभी भी यही हाल है। चलिए आगे देखिए गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का कौन सा सही कालानुक्रम है, तो सबसे पहले गुलाम वंश में 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किसने करी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसका मृत्यु 1210 में हो गया था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया था, ठीक है, 1210 ईस्वी में। उसके बाद कौन आया, तो इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर कुछ दिनों के लिए, थोड़े दिनों के लिए आराम शाह बैठा था, जिसे कि हटा करके इल्तुतमिश बैठ गया था, आपको पता होगा इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी रजिया सुल्तान, तो ये कालानुक्रम है। अब देखिए अलाई दरवाजा जो है
इसका निर्माण किसने करवाया, अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है, तो कुतुब मीनार का, याद रखिएगा कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है अलाई दरवाज़ा, ठीक है, कुतुब मीनार का मुख्य दरवाज़ा है अलाई दरवाज़ा, ठीक है। आगे देखिए कहा जा रहा है कि हिंदुओं द्वारा लिया जाने वाला भूमि कर, ये सब कहा जा रहा है कि करों के बारे में बात करी जा रही है। तो यहाँ पर देखिए हिंदुओं द्वारा लिया जाने वाला जो भूमि कर होता था उसे खराज कहा जाता था, क्या, खराज कहा जाता था। युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग जो होता था उसे खम्स कहा जाता था, उसे क्या कहा जाता था, खम्स। अच्छा, मुस्लिमों के द्वारा लिया जाने वाला भूमि कर उस्र कहलाता था और मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर जो होता था उसे जकात कहा जाता था, याद रखिएगा। अब देखिए आगे कहा जा रहा है कि जो इब्राहिम लोदी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। इब्राहिम लोदी क्रूर एवं निरंकुश शासक था, इब्राहिम लोदी जो था वह क्रूर एवं निरंकुश शासक था, सही बात है। अफगान अमीरों की खिलाफत इसने करी थी, इब्राहिम लोदी अफगान अमीरों की खिलाफत करी थी। महान निर्माता और कला का पुजारी था, बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। आगे देखिए दौलत खान ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया था, तो ये सही है, ठीक है। काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया था दौलत खान ने, ठीक है। देखिए कहा जा रहा है अमीर खुसरो के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, अमीर खुसरो के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके। वे सूफी संत, अमीर खुसरो सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। वह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का दरबारी कवि था और उसने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का भी आविष्कार किया था। तो अमीर खुसरो के बारे में याद रखिएगा कि वह जो था शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का दरबारी कवि था और उसने वाद्य यंत्र वीणा और ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार बनाया था और उसने ख्याल गायकी का भी आविष्कार किया था। तो ये सभी के सभी सही। अब देखिए दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में कौन सा उत्तरदायी है, तो दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए अगर उत्तरदायी कारणों पर बात करें तो यहाँ पर देखिए दुर्बल प्रशासन, तैमूर का आक्रमण और अधिग्रहण की अस्पष्ट नीति का अभाव, तो ये सभी के सभी कारण हो जाएंगे। आगे देखिए कहा जा रहा है कि जो निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था, तो ये मोहम्मद गौरी था। सबसे पहले मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया और दूसरा तुर्क आक्रमण मोहम्मद गौरी का था, किसका, मोहम्मद गौरी का था। अब आगे देखिए मोहम्मद गौरी संसबनी वंश का था। मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से जाना जाता था, तो मोहम्मद गौरी को शहाबुद्दीन के नाम से भी जाना जाता था, मोहम्मद गौरी को मुइजुद्दीन के नाम से भी जाना जाता था और मोहम्मद बिन साम के नाम से भी जाना जाता था। तो याद रखिएगा मोहम्मद गौरी इन सभी नाम से जाना जाता था, ठीक है। आगे देखिए कहा जा रहा है मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण मुल्तान में करमाथी शासक के खिलाफ किया था, याद रखिएगा के खिलाफ किया था। आगे देखिए कहा जा रहा है कि जो भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, तो याद रखिएगा ये भीम द्वितीय था, ठीक है। भारत का वो पहला शासक भीम द्वितीय था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में क्या था, तो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद का मूल था भटिंडा तबरहिंद जो होता था वो था, ठीक है। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण जो था वो तराइन का द्वितीय युद्ध था 1192 में, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था, ठीक है। आगे देखिए कहा जा रहा है कि मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 में जो युद्ध हुआ था उसे चंदावर के युद्ध के नाम से जाना जाता था, उसे चंदावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। आगे देखिए मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण पंजाब के खोखर के विरुद्ध हुआ था, याद रखिएगा मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण पंजाब के खोखरों के विरुद्ध हुआ था, ठीक है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि तराइन का जो द्वितीय युद्ध था वो ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे और यह कथन था वी ए स्मिथ का ऐसा कथन था, ठीक है। मोहम्मद गौरी के सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार विजय जो कि 1202-3 में, बंगाल विजय 1204-5 और असम पर आक्रमण 1206 में किया था। मोहम्मद गौरी के जो सेनापति थे इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ठीक है, जो इसने बिहार विजय 1202-1203 में, बंगाल विजय 1204-5 में और असम पर आक्रमण 1206 में किया था, ठीक है। आगे देखिए कहा जा रहा है कि
कि जो भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है। याद रखिएगा, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का जो शासक था वो रामचंद्र देव था। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो बर्नी ने यह कथन अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में कहा है। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने ऐसा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा है। ठीक है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी चौधरी था। याद रखिएगा, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस राजवंश? तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश, जो कि खिजर खां वंश, जो हमने कहा था कि शाहरुख मिर्जा के अधीन में ये चला गया था, तो सैयद वंश राज का स्थापना हुआ था। ठीक है, सैयद वंश का स्थापना हुआ था। निम्न में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो याद रखिएगा, फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो फिरोज तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था। अच्छा, किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो ये फिरोज तुगलक था जो कि फलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए इसने उपाय किए। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण मुसलमान है। तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? तो याद रखिएगा, मिनहाज उस सिराज। तबकात ए का लेखक मिनहाज उस सिराज था। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, जो कि कुतुब मीनार का दरवाजा था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर में थी। ठीक है, इसने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो ये था आपका जफर खान। याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति में से जिसकी मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हो गई थी, तो ये जफर खान था। कौन था? जफर खान था। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि कौन भूमि उत्पाद पर लगाने वाले करों को इंगित करता है? भूमि उत्पादों पर लगाए जाने वाले करों को इंगित करने वाला यहां निम्न में से कौन सा था? तो याद रखिएगा, खराज, जो कि भूमि पर लगाए गए कर, जो कर थे, हिंदुओं से लिया जाता था। ठीक है, उसके बाद उस्र था, ये शायद मुस्लिमों से लिया जाता था, और एक मुक्तई कर होता था। ठीक है, तो ये भूमि पर, और खम्स जो होता था ये भूमि पर कर नहीं, बल्कि जो लूट के बाद जो राज्य का जो हिस्सा था उसे खम्स कहा जाता था, 1/5 हिस्सा। तुगलक नामा के रचनाकार कौन थे? ईसामी था। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? मोहम्मद गौरी ने प्रथम अक्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अक्ता प्रदान करने वाला किया था इसने। ठीक है, आगे देखिए, कहा जा रहा है कि किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के काल में खलीसा भूमि अत्यधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल, ये जो है किस धातुओं से बने थे? तो याद रखिएगा, ये बना था, टंका जो है चांदी से, ससगनी भी चांदी से, और जीतल जो है तांबा से बना था। याद रखिएगा, तो चांदी और तांबा से। याद रखिएगा, अमीर ए कोही जो कि एक कृषि विभाग नाम से जाना जाता था सल्तनत काल में, तो नामक एक नया विभाग जो है किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अमीर ए कोही नामक विभाग का स्थापना किया गया था, मतलब इसके द्वारा शुरू किया गया था। अमीर खुसरो ने किसके विकास में? तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाया था। ठीक है, आगे देखिए, कहा जा रहा है कि तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्न
में कूट में से करें। तो सल्तनत काल की जो मुद्राएं थी, याद रखिएगा, ये आपका जीतल जो कि किससे बना होता था, जीतल बना होता था तांबा का, और एक था टंका जो कि चांदी से बना होता था, ठीक है, याद रखिएगा। ये दोनों मुद्राएं सल्तनत काल चलती थी, तो जीतल और टंका, याद रखिएगा, जीतल तांबा से और टंका चांदी से। भारत में पोलो खेल का प्रचलन, भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया, भारत में पोलो खेल का जो प्रचलन है वो तुर्कों के द्वारा किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। कहा जा रहा है कि किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेके साथ चांदी के सिक्के निर्गित किए थे, तो ये मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? नहीं, ये था आपका महमूद गजनवी ने। किसने? महमूद गजनवी ने। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख और दूसरे तरफ चांदी का, जो एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख था, तो इस प्रकार के चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने शुरू किया था, महमूद गजनवी ने शुरू किया था, याद रखिएगा। अब कहा जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना, तो ये था आपका गाजी मलिक। कौन? गाजी मलिक था, याद रखिएगा। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्ष में तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान गाजी मलिक बना था, जो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जाना जाता था। देखिए, जवाबित क्या होता था? जवाबित जो होता था, ये एक राज्य कानून था। जवाबित एक राज्य कानून था। अब आगे देखिए, कहा जा रहा है कि किस राजवंश के, तो खिलजी राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरम उत्कर्ष हुआ। खिलजी राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरम उत्कर्ष हुआ था। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, ये तो बिल्कुल सही बात है। वह दक्षिणी राज्यों पर को कब्जे में करना चाहता था, ये गलत है, ठीक है। वो दक्षिणी राज्यों पर कब्जा नहीं करना चाहता था, बल्कि वहाँ से धन प्राप्ति, या फिर कहा जाता था कि उधर के लिए बारे में, तो ये कब्जा नहीं करना, बल्कि धन प्राप्ति इसका उद्देश्य था, ठीक है। तो 109 का ये सी हो जाएगा। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि कुछ लेखक है और उससे संबंधित कुछ पुस्तकें दी गई हैं, उसके बारे में बताना है, तो चलिए देखते हैं। कहा जा रहा है कि ये जो जियाउद्दीन बरनी के द्वारा लिखा गया पुस्तक, याद रखिएगा, तारीख ए फिरोजशाही, जियाउद्दीन बरनी के द्वारा लिखा गया पुस्तक तारीख ए फिरोजशाही, हसन निजामी ने लिखा था ताजुल मासिर। मिनहाज उस सिराज की पुस्तक का नाम है तबकत ए नासिरी, और अभी हमने देखा था, और याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखा था तारीख ए मुबारकशाही, याद कीजिए, जियाउद्दीन बरनी, तारीख ए फिरोजशाही, हसन निजामी जो था ये ताजुल मासिर, मिनहाज उस सिरा, तबकात ए नासिरी, और याहिया बिन सरहिंदी मुबारक शाही लिखा था तारीख ए मुबारक शाही। तौल की सबसे छोटी इकाई इनमें से कौन सी है, तो याद रखिएगा, रत्ती जो होता था, ये तौल की सबसे छोटी इकाई, जिसका संस्कृत में मतलब होता था रत्ती का, ठीक है, तौल की सबसे छोटी इकाई रत्ती होती थी, जिसका संस्कृत में मतलब होता था रक्ति का, ठीक है। अब देखिए, कहा जा रहा है प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा था, ठीक है, याद रखिएगा। कहा जा रहा है किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था, तो ये इब्न बतूता था। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण जो है इब्न बतूता ने दिया था, ठीक है। तैमूरलंग ने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था, तैमूरलंग ने भारत पर 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण तैमूरलंग ने किया था, और किसके शासनकाल में, तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, और इसके शासनकाल के बाद, याद रखिएगा, सैयद राजवंश की स्थापना होती है। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली, तो ऐसा उसने कहा था मोहम्मद बिन तुगलक के मौत पर, मर जाने पर, जब ये मर गया तब इसके बारे में कहा था बदायूनी ने, राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली। दिल्ली के सुल्तान बलबन का दूसरा नाम क्या था, तो दिल्ली के सुल्तान बलबन का दूसरा नाम ग्यासुद्दीन बलबन था, याद रखिएगा, ग्यासुद्दीन बलबन। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया, तो ये कौन सा सुल्तान था जो नया धर्म चलाना चाहता था, तो ये था अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी एक नया धर्म चलाना चाहता था जिसका विरोध उलेमाओं के द्वारा किया गया था, ठीक है। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का उदाहरण है, तो ये आपका कौन सा ऐतिहासिक वास्तुकला है भैया, तो ये आपका है हुमायूं का मकबरा। दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा है, ये आपका भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का उदाहरण है, ठीक है। आगे देखिए, कहा जा रहा है दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था, और उसके लिए एक विभाग भी उसने बना रखी थी, दीवान ए खैरात, यानी कि दान विभाग, किसने स्थापित किया था, तो ये फिरोज तुगलक ने ऐसा किया था, ठीक है। ये किसने किया था, फिरोज तुगलक ने एक दीवान ए खैरात की विभाग की स्थापना करी थी, यानी कि दान विभाग की स्थापना उसने करी थी, ठीक है। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है, तो ये सितार, जो कि अमीर खुसरो ने दो संगीत वाद्यों यंत्रों को मिला करके बनाया था, ठीक है।
नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तान शैली के जन्मदाता कौन थे? तो अमीर खुसरो थे। याद रखिएगा, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी तथा अथवा हिंदुस्तान शैली, सबक ए हिंदी को हिंदुस्तान शैली भी कहा जाता है, याद रखिएगा, उसके जन्मदाता अमीर खुसरो थे। अनुकूल परिस्थितियाँ मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक, अनुकूल परिस्थितियाँ मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका प्रमुख कारण था मंगोल आक्रमण का भय, इसका प्रमुख कारण था मंगोल आक्रमण का भय। देखिए कहा जा रहा है कि किसने सिकंदर सानी यानी कि द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण करी थी, तो द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण करने वाला था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, द्वितीय सिकंदर यानी कि सिकंदर सानी की उपाधि धारण करने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। याद रखिएगा, सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। सिक्कों पर सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की थी? तो सैयद उस सलातीन की उपाधि फिरोज शाह तुगलक ने धारण करी थी। सैयद उस सलातीन की उपाधि फिरोज शाह तुगलक ने धारण करी थी, याद रखिएगा। अब कहा जा रहा है कि किसे कुरान खां यानी कि कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। कुरान खां यानी कि कुरान का पाठ करने वाला भी इसे कहा जाता था, कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सल्तनतकालीन शासक को मिन्हाज ने हतीम ताई दो की संज्ञा दी थी? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को इसने दिया था, याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को मिन्हाज ने हतीम ताई द्वितीय की संज्ञा भी दी थी, याद रखिएगा। मिन्हाज ने हतीम ताई की उपाधि द्वितीय की उपाधि किसे दी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी थी, याद रखिएगा। कहा जा रहा है ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कहा जा रहा है कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो ईश्वर का अभिशाप जो है चंगेज खां अपने को कहता था। चंगेज खां ईश्वर का अभिशाप खुद को कहता था, याद रखिएगा। किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर यानी कि स्वीकृति पत्र मानाभिषेक पत्र प्रदान किया था? तो ये किसने किया था भैया? ये किया था आपका इल्तुतमिश को, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर प्रदान किया था, यानी कि एक स्वीकृति पत्र होती थी, इल्तुतमिश को ऐसा प्रदान उसने किया था। किसे किया था? इल्तुतमिश को। अब आगे देखिए कहा जा रहा है दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दुआब के आर्थिक महत्व को समझा? तो ऐसा कौन था भैया? ये था आपका इल्तुतमिश। दुआब का मतलब क्या होता है? दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है जिसमें दो नदियां, दो और आब का मतलब क्या होता है? नदियां। तो दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे दुआब कहा जाता है। और दुआब कितना क्या बोलते हैं उपजाऊ होता है, इसके आर्थिक महत्व को समझने वाला कौन था? इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था। अब देखिए दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्न में कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो याद रखिएगा दिल्ली के क्या बोलते हैं दिल्ली के शासन इस पर, तो सबसे पहले बहलोल लोदी ने लोदी वंश का क्या किया? स्थापना करी, जो कि अफगान था। उसके बाद सिकंदर शाह और उसके बाद इब्राहिम लोदी, याद रखिएगा। बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, तब इब्राहिम लोदी। और सिकंदर शाह को हम सिकंदर लोदी भी कहते हैं, जिसने कि आगरा शहर की स्थापना भी करी थी। अब देखिए दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद था, याद रखिएगा, नसीरुद्दीन महमूद। अब देखिए कहा जा रहा है कि भारतीय राजाओं के, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलग विभाग दीवान ए आरिज स्थापित करी थी, ठीक है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलग विभाग दीवान ए आरिज की स्थापना किया था, बिल्कुल गलत है, क्योंकि दीवान ए अर्ज यानी कि एक अलग सैन्य विभाग की स्थापना जो है बलबन ने की थी, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बताइए कि बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की थी, तो ऐसा बलबन ने नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस प्रकार का प्रथा शुरुआत किया था। महमूद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे, नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी के गद्दी के बाद जो है उसके बाद उसका चाचा नहीं बल्कि उसका बेटा जो था फिरोज तुगलक, इसका चाचा का नाम क्या था? रजब, याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के चाचा का नाम था रजब और उसका बेटा फिरोज तुगलक जो है उसके बाद गद्दी पर बैठा था, तो यह भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवान ए बंदगान स्थापित किया था, तो यह सही है, ठीक है, यह सही है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर कहा जा रहा है मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद दो वर्षों तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा था, बिल्कुल सही बात है। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद दो वर्ष तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा था और उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे, और यही कारण था कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली को छोड़ करके कहाँ चला गया था? स्वर्गद्वारी नामक शिविर में। तो दोनों सही है और एक दूसरे का सही व्याख्या भी करता है। तो चलिए देखते हैं आगे। कहा जा रहा है कि चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल पर भारत
पर आक्रमण किया था, तो ये किया था किसके शासनकाल में, तो इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। कहा जा रहा है कि कौन सा सही रूप में सुमोलित है, तो दीवाने बंदगान की जो स्थापना करी थी गुलामों के लिए एक अलग से, दीवाने बंदगान की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करी थी, तो ये सही है, बाद बाकी सारे के सारे गलत है, क्योंकि दीवाने अर्ज की स्थापना बलबन ने करी थी और दीवाने को ही जो था अमीर को ही, तो इसकी अलग अलग था। ये देखिएगा सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या होता था, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ होता था इक्तादारों के द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली जो अधिशेष राशि होती थी उसे सल्तनत काल में फवाजिल कहा जाता था, अब देखिए क्या सल्तनत काल में उसे फवाजिल कहा जाता था। आगे देखिए कहा जा रहा है कि दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने वाला, तो ये आपका फिरोज शाह तुगलक था। कौन था, फिरोज शाह तुगलक भारत में सबसे बड़े नहरों के जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, तो फिरोज शाह तुगलक था। कौन, फिरोज शाह तुगलक। अब देखिए कहा जा रहा है कि प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश के एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था, ये दोनों सही। आगे देखिए कहा जा रहा है अपनी शक्ति समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी, तो ये कौन सा उपाधि इसने धारण किया था, तो याद रखिएगा इसने धारण उपाधि किया था जिल्ले इलाही। ठीक है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने एक भव्य उपाधि धारण करी थी जिसका नाम था जिल्ले इलाही। ठीक है, जिल्ले इलाही। अब आगे देखते हैं क्या है? कहा जा रहा है कि किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी जो कि दिल्ली में इसका का निर्माण करवाया, मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव भी इसी ने पाया, तो ये कौन था भैया, इल्तुतमिश था। कौन था, इल्तुतमिश। सबसे पुराना मकबरा नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी जो कि दिल्ली में है उसका निर्माण करवाया, मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता भी कहा गया इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश के द्वारा बनाए गए अतारकीन का दरवाजा, जो कि अकबर के बुलंद दरवाजा का प्रेरणा स्रोत बना, वो कहां पर स्थित है, तो वो आपका स्थित है नागौर जोधपुर में। कहां पर स्थित है, नागौर जोधपुर में। ठीक है, अब आगे देखते हैं कहा जा रहा है कि किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान एचहलगामी या फिर चालीसा दल का गठन किया, तो ऐसा करने वाला कौन था, तो ये इल्तुतमिश था। कौन था, इल्तुतमिश ऐसा करने वाला था। देखिए कहा जा रहा है कौन राजदरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था, तो बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी इमामुद्दीन रैहान था। याद रखिएगा अब किसने चहलगामी चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया, तो ये बलबन ने जो तुर्कामी चालीसा दल का सफाया कर दिया जिसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने करी थी। अब किसके राज्यकाल में लखनौती जो कि बंगाल की राजधानी था इसमें तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ, तो ये बलबन के समय में हुआ था। बलबन के राज्यकाल में लखनौती जो कि बंगाल की राजधानी थी वहां पर तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ था बलबन के समय में। ठीक है, बलबन के समय में ही ऐसा हुआ था। आगे देखिए कहा जा रहा है कि बलबन ने वित्त विभाग जो कि दीवाने विजारत थी उससे अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवाने आरिज या फिर अर्ज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था कि आंतरिक विद्रोहों का दमन करना। एक अलग से सैन्य विभाग की स्थापना उसने इसीलिए करी थी कि जो आंतरिक विद्रोह थे उसका दमन करना और मंगोल आक्रमणों को रोकना, उसका ये कारण था। दीवाने अर्ज की स्थापना करने के पीछे उसका ये उद्देश्य भी था। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, कि किसने राजदरबार में सिजदा मतलब कि घुटनों पर बैठकर शीश नवाना और यानी कि सुल्तान के पांव को चूमना, ऐसी प्रथा बलबन ने चलाई थी, तो सिजदा और पैबोस की प्रथा जो है बलबन के द्वारा चलाया गया था। अब देखिए बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में जो कि फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है इसमें वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया, तो ये जो है अफरसियाब तुर्की योद्धा के वंशज होने का दावा बलबन ने शाहनामा में किया है। ठीक है, बलबन ने शाहनामा में किया है। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठा रहता था। दरबार में वह न तो खुद हंसता था और न ही किसी की हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाजत देता था, तो ऐसा कौन था भैया, ये बलबन था। देखिए बलबन जो था गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठा रहता था, दरबार में वह न तो खुद हंसता था और न ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाजत देता था, यह तो बलबन के संबंध में संबंधित है, यह बलबन के संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे देखिए कहा जा रहा है कि बलबन ने किसने किलोखरी जो कि
कैलू गढ़ी है कि राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाया। तो किलोकरी में अपना राज्याभिषेक किसने किया था? तो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था, ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटनाएँ कौन सी थी? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में जो घटित घटनाएँ हैं, जैसे कि कड़ा मणिपुर के सूबेदार मलिक कफूर का विद्रोह, ठीक है, कड़ा जलालुद्दीन फिरोज के शासनकाल में कुछ घटित घटनाएं थी। कड़ा मणिपुर के सूबेदार मलिक कफूर का विद्रोह, दिल्ली के एक दरवेश सीदी मौला का षड्यंत्र, उलुग के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमान बनना, नव मुसलमान एवं उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बनाना, ये सभी के सभी जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में घटी थी, ठीक है। अब देखिए कहा जा रहा है दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया, यह आक्रमण किसके समय हुआ? तो यह आक्रमण हुआ था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के आक्रमण समय में, ठीक है, यह आक्रमण जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में हुआ था। अब आगे देखिए राजकीय व्यय से राजकीय खर्चे से संबंधित विभाग दीवाने वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? तो दिल्ली के सुल्तान क्या बोलते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दीवाने वकूफ की रचना करी थी, दीवाने वकूफ की का स्थापना भी किया था। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था अली गुरसास्प। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था अली गुरसास्प, ठीक है, याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था अली गुरसास्प। आगे देखिए कहा जा रहा है अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंबात से किसे खरीदा गया? तो याद रखिएगा किसे? मलिक कफूर को खरीदा गया, जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया था, मलिक कफूर को हजार दिनारी भी कहा गया, क्योंकि मलिक कफूर को हजार दिनारी कहा गया क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक कफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान जो कि 1307 से 1312 में किया गया, इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम कैसे था? तो सबसे पहले देवगिरी को पराजित किया, फिर वारंगल को, फिर होयसल को, फिर मदुरा को। देवगिरी, वारंगल, होयसल, मदुरा, याद रखिएगा देवगिरी, वारंगल, होयसल और मदुरा, ठीक है। अब देखिए कहा जा रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासकों को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा? राय रायान यानी कि राजाओं का राजा की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिए। तो ये देवगिरी के शासक रामचंद्र के बारे में ऐसा उसने किया था, ठीक है, देवगिरी के शासक रामचंद्र को, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासक को? तो देवगिरी के शासक रामचंद्र को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा, राय रायान की उपाधि भी दी और गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिया था, ठीक है। तो देवगिरी के शासक रामचंद्र के लिए, ठीक है। अब आगे देखिए कहा जा रहा है कि दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक कपूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? तो मलिक कपूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। तो यह प्रताप रुद्रदेव ने ऐसा किया था, ठीक है। दक्षिणी अभियान के क्रम में प्रताप रुद्रदेव ने मलिक कपूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया और मलिक कपूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। किसे? अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। किसने कहा था कि मैं ऐसे आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकर है, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाजत है या नहीं? तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा कहा था, ठीक है, ऐसा अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि मैं ऐसे आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हित करे, मैं यह नहीं जानता कि यह शरीयत इसकी इजाजत देता है या नहीं। तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। अलाउद्दीन खिलजी के ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? तो ये किसके कहने पर? तो याद रखिएगा अलाउल मुल्क के कहने पर। किसके कहने पर? अलाउल मुल्क के कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने विश्व विजय के अभियान को त्याग दिया, ठीक है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि किसने 4 अध्यादेश जो 4 ऑर्डिनेंस जब्ती गुप्तचर प्रणाली का गठन दिल्ली में मद्य निषेध और अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किया था? तो याद रखिएगा ये करने वाला था आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अध्यादेश जारी किए थे, एक तो जब्ती, दूसरा गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध और अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी इसने लगा रखी थी। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत की स्थापना की थी? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो कि एक अलग से दीवाने रियासत की स्थापना इसने करी थी, अलग से दीवाने रियासत की स्थापना करी थी। किसने सैन्य शासक के क्षेत्र में दाग यानी कि घोड़ों पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना एवं हुलिया सैनिक के पहचान चिन्ह का प्रचलन किया? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ही था। ये कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ही था जिसने ऐसा करा था। अब आगे देखिए कहा जा रहा है कि
किस सुल्तान ने, अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नकद वेतन देने की प्रथा भी चलाई। तो अलाउद्दीन खिलजी था जो कि सैनिकों को सबसे पहले नकद वेतन देने की इसने प्रथा को चलाया था, ठीक है, प्रथा को चलाया था। अब आगे देखिए कहा जा रहा है, यक अस्पा यानी कि एक घोड़ा वाला सैनिक, दो अस्पा यानी कि दो घोड़े वाले सैनिक, प्रथा का प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है। आगे देखिए कहा जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन सा कथन सही है, राजस्व के प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ये देखिए, यहाँ पर भूमि अनुदानों की समाप्ति इसने कर दिया, उसके जगह पर नकद वेतन की शुरुआत करी। मुकदमों, खूतों और चौधरियों, जो कि मोरलैंड के शब्दों में मध्यस्थ वर्ग जो होते थे, मुकदम, खूत या फिर चौधरी, इन सब के विशेषाधिकारों की समाप्ति कर दी और एक दीवाने मुस्तकराज की स्थापना भी करी थी। विश्वा के आधार पर भूमि की पैमाइश करके सकल उत्पाद का 50% खराज यानी कि हिंदुओं से लिया जाने वाला जो भूमि कर था वो निर्धारित किया गया, 50%। जकात जो कि मुस्लिमों से लिया गया धार्मिक कर होता था, जजिया खम्स जो कि आप जानते हैं युद्ध में जो लूटे गए माल होते थे उसका 1/5, तो इसकी नई दर निर्धारित करी थी। तो ऐसा सब जो है ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। सरा ए अदल याद रखिएगा, जो सरा ए अदल है, ठीक है, सरा ए अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? तो ये वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार था, वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार था, ठीक है। दिल्ली स्थित सीरी का किला, सीरी फोर्ट, हजार सतून राजमहल, हजार खंभों वाला राजमहल का निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है आपके अलाउद्दीन खिलजी को। दिल्ली स्थित सीरी का किला, हजार सतून का महल यानी कि हजार खंभों वाला महल के निर्माण का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को जाता है, ठीक है। किसने? रम्स ए मियान यानी कि बीच का रास्ता व तारीख ए इतदाल, सुल्तान का तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई। तो ये ग्यासुद्दीन तुगलक था। कौन? ग्यासुद्दीन तुगलक ने रम्स ए मियान, जिसका नाम होता है बीच का रास्ता, और तारीख ए इतदाल यानी कि सुल्तान का तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई। तो ये ग्यासुद्दीन तुगलक ने किया था ऐसा, ठीक है, ग्यासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है, याद रखिएगा। अब कहा जा रहा है कि कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर यानी कि तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई थी? तो ऐसा कौन सा सुल्तान के साथ हुआ था? तो ये ग्यासुद्दीन तुगलक के साथ ही हुआ था। ग्यासुद्दीन का तुगलक का बेटा मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद कौन राजा बना था? फिरोज शाह तुगलक। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम शासक कौन था? तो नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम शासक ग्यासुद्दीन तुगलक था। ठीक है। अब देखिए कहा जा रहा है सुल्तान बनने से पहले किसका नाम जौना खा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का, याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक का सुल्तान बनने से पहले नाम क्या था? जौना खा था। अब देखिए कहा जा रहा है कि किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना नाम अबुल मुजाहिद रखा? तो शासक बनने के उपलक्ष्य में अबुल मुजाहिद नाम जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने ही रखा था, याद रखिएगा, अबुल मुजाहिद। अब देखिए कहा जा रहा है कि यहां पर कुछ यहाँ मिलान करने के लिए कहा जा रहा है, मदुरा यानी कि मावर, इसका निर्माण किसने कराया? तो जलालुद्दीन अहसान शाह। विजयनगर की स्थापना किसने करी? हरिहर एवं बुक्का ने। वारंगल की स्थापना कन्हैया ने, और बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? हसन गंगू ने, याद रखिएगा। मदुरा यानी कि जो मावर है उसकी स्थापना जलालुद्दीन अहसान शाह ने, विजयनगर की स्थापना हरिहर बुक्का ने, वारंगल की स्थापना कन्हैया ने, और बहमनी की स्थापना हसन गंगू ने। मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है, यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूँ तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूं तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है, ऐसा कहने वाला कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। किसके साम्राज्यकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ, जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना में हुई? तो सादा अमीरों का विद्रोह किसके शासन राज्यकाल में हुआ था? तो याद रखिएगा, ये हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल में ही। मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा क्या बोलते हैं लीडर था जिसके शासनकाल में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य बन गए थे, जैसे कि विजयनगर हो गया या फिर आपका जो बहमनी साम्राज्य है, इसके बारे में आप थ्योरी क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई आपका थट्टा में, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। राजशेखर एवं जिन प्रभासूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया था? तो ये दिया था आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने। राजशेखर और जिन प्रभासूरी जैसे जैन विद्वानों को राजकीय संरक्षण मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? तो ये कौन था? फिरोज शाह तुगलक। 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाने वाले कौन थे? तो फिरोज शाह तुगलक ही थे।
अब देखिए किसने सेना को नकद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर दिया, देखिए सेना को नकद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर दिया और कर वजह यानी कि भूमि कर वसूलने का अधिकार या फिर इतलाक धन आदेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया, तो ये फिरोज तुगलक था। किसने? फिरोज तुगलक ने ऐसा किया कि नकद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर दी, उसके बदले में वजह यानी कि भूमि कर वसूल करके अपना धन ले लो, वेतन ले लो, ठीक है। इस प्रकार का कि सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोजशाही लिखी, तो फतुहात ए फिरोजशाही फिरोज शाह तुगलक ने लिखा है, याद रखिएगा। फतुहात ए फिरोजशाही किसने लिखा है? जो फिरोज शाह तुगलक ने, और इसी की आत्मकथा है, ठीक है, इसी की आत्मकथा है। देखिए कि सुल्तान ने हासिल ए सर्व और यानी कि हर हक ए सर्व एक सिंचाई कर होता था नामक एक नया कर लगाया, तो ये किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने हासिल ए सर्व नाम का जो कि सिंचाई कर होता था इस नाम का एक नया कर लगाया था, ठीक है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित दारुल सफा, और फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? तो फिरोज तुगलक के द्वारा दारुल सफा जो एक खैराती अस्पताल होता था, खैराती अस्पताल, ठीक है। किसने भूमि मापने वाला, भूमि मापने का पैमाने गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? तो गज ए सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया, जिसका जिसने आगरा की स्थापना भी करी, ठीक है, सिकंदर लोदी। अब आगे देखिए कहा जा रहा है कि किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो याद रखिएगा मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है, देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो तुर्कों का। रजिया बेगम को, रजिया जो है आपने सुना भी होगा कि रजिया गुंडों में फंस गई, तो जो बहुत सारे गुंडे को भेजा गया था, ठीक है, डाकुओं का एक दल, तो रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो तुर्कों का। किसका हाथ था? तुर्कों का था, याद रखिएगा। अब देखिए कहा जा रहा है कि प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता के विषय में निम्न कथनों पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है। वह मोरक्को का यात्री था, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद देखिए वह चीन में दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में भी भेजा गया था, तो ये दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कहा जा रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया था? तो दिल्ली के सुल्तान जो है आपका फिरोज तुगलक ने, इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो चंगेज खां का मूल नाम उगंदी था, याद रखिएगा, चंगेज खां का मूल नाम उगंदी था। जैसा कि आपको पता है सल्तनत काल के दौरान ही फिरोज शाह तुगलक के समय और मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश के समय में बहुत सारे जो प्रांतीय राज्य बने, जिसमें कि विजयनगर साम्राज्य है, बहमनी साम्राज्य है, उन सब के बारे में अब हम चर्चा करेंगे, और उसी में भक्ति आंदोलन भी है, तो सब के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में होती है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में। अब आगे देखिए कहा जा रहा है कि कुछ वंश है और उससे संबंधित संस्थापक है। तो विजयनगर साम्राज्य में बहुत सारे वंश आए, विजयनगर साम्राज्य में चार वंश की बात आती है, संगम वंश, जिसमें कि तो देखिए संगम वंश है, सालुब वंश है, तुलुब वंश है, अराविडु वंश है, तो एक एक करके उसके संस्थापक कौन है उस पर चर्चा करना चाहिए। देखिए संगम वंश के संस्थापक हरिहर और बुक्का को कहा जाता है। अगर विजयनगर साम्राज्य की केवल बात पूछे तो हरिहर बुक्का, लेकिन विजयनगर साम्राज्य में जो वंशज हैं उनमें से संगम वंश के संस्थापक थे हरिहर बुक्का, सालुब वंश के संस्थापक थे सालुब नरसिंह, तुलुब वंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह और अराविडु वंश के संस्थापक थे तिरु। याद रखिएगा संगम वंश के संस्थापक हरिहर बुक्का, सालु वंश के संस्थापक सालु नरसिंह, तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह और अराविडु वंश के संस्थापक थे तिरुमल, ठीक है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि विजयनगर का भ्रमण करने वाले पुर्तगाली यात्री और उस समय के शासक कौन थे? तो याद रखिएगा सबसे पहले जो आपका दुआर्ते बारबोसा आया था, ठीक है, दुआर्ते बारबोसा 1516 ईस्वी के आसपास यहाँ रहा, और वो किस समय यहाँ पर आया था, उस जिस समय आया था तो कौन शासक था विजयनगर का? तो याद रखिएगा कृष्णदेव राय के समय, ठीक है, कृष्णदेव राय के समय दुआर्ते बारबोसा आया था। देखिए डोमिगो पायस, जिसे पिंच के नाम से भी जाना जाता है, 1520-22 में यहाँ पर रहा, वो भी कृष्णदेव राय के समय में, और फरनाओ नुनीज, बस आपको ये याद रखना है नुनीज, तो नुनीज जो आया था अच्युत देव राय के शासनकाल में, और फ्रेडरिक जो आया था वो सदाशिव राय के शासनकाल में आया था। तो याद रखिए बारबोसा, कृष्णदेव बारबोसा और पायस, ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया, जो आपका नुनीज है वो अच्युत देव राय के शासनकाल में, और जो फ्रेडरिक है। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि इतालवी यात्री यानी कि इटली के यात्री निकोलो द क्वंटी ने विजयनगर किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा करी थी? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो द क्वंटी। तो याद रखिएगा फ्रेडरिक सदाशिव राय के समय में, नुनीज अच्युत देवराय के समय में, और जो बारबोसा और पायस थे ये कृष्ण देवराय के समय में, और देवराय प्रथम के समय में आया था इटली के यात्री निकोलो द क्वंटी। अब आगे देखिए कहा जा रहा है फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल
राजाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा करी, तो याद रखिएगा देवराय द्वितीय के शासनकाल में। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रजाक ने 1443-44 के आसपास में विजयनगर सम्राट के जो विजयनगर सम्राट देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा करी थी। कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे, तो याद रखिएगा पुर्तगाली के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे कृष्णदेव राय ने। ठीक है, विजयनगर जो था वो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। आगे देखिए, बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष हम्पी में पाए जाते हैं। विजयनगर का प्रथम शासक कृष्णदेव राय था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि करी थी। संबंध स्थापित किए थे। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया, जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरमरसरावी गैलरी यानी कि विस्परिंग गैलरी के लिए प्रसिद्ध है। तो बीजापुर का जो गोल गुंबज है उसको बनाया था मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर का गोल गुंबज। आगे देखिए, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे, तो कृष्णदेव राय अगर बात करें तो वो बाबर के समकालीन थे, यानी कि 1526 से 1530 के आसपास। तो कृष्णदेव राय जो थे वे बाबर के समकालीन थे। अब देखिए, कहा जा रहा है कि हम्पी तिरुवनमलय चिदम्बरम श्रीरंगम, तो ये जो था ये कृष्णदेव राय हम्पी तिरुवनमलय चिदम्बरम श्रीरंगम तिरुपति आदि मंदिरों के सामने बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन, तो कृष्णदेव राय। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश जिसके संस्थापक कौन थे, हरिहर एवं बुक्का, ये क्या बोलते हैं कि के नाम से जाना जाता था, क्यों जाना जाता था संगम राजवंश के नाम से, तो हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। ठीक है, हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना करी थी उनका नाम क्या था, तो हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के बारे में, तो वो है आपका माधव विद्यारण्य के संत के संसर्ग में आकर इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा, तो विजयनगर का अपने स्थापना से पतन तक लेकर बहमनी राज्य से जो है संघर्ष चलते रहा था। आगे देखिए, विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ, विजयनगर बहमनी संघर्ष का जो आरंभ है वो हरिहर एवं बुक्का के समय यानी कि शुरुआत से लेकर अंतिम तक जो है संघर्ष चलते रहा बहमनी साम्राज्य के साथ। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, तो जो ये आपका देख रहे हैं कालीकट जो है गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। जो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। आगे देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं सदी में हुई थी। कृष्णदेव राय राजा थे विजयनगर के। ठीक है, आगे देखिए, कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था, हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। ठीक है, आगे देखिए, गोलकुंडा कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटक में स्थित है। किस संगमवंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था, तो ये आपका है देवराय द्वितीय को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। बीजापुर का गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए हरिहर एवं बुक्का का आभारी है। चार मीनार कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में, जिसकी स्थापना कुली कुतुब शाह ने करवाई थी, जिसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है, तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी जो है वो बेल्लारी जिले में स्थित है। अब आगे देखिए, कहा जा रहा है कि बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरई सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ और मदुरई विजय का श्रेय किसे जाता है, तो मदुरई विजय का श्रेय जाता है बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन यानी कि कंप राय को। ठीक है,
अब देखिए, मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक देवराय प्रथम था। मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला देवराय का विजयनगर का प्रथम शासक था देवराय प्रथम। ठीक है, देवराय प्रथम। अब देखिए, कहा जा रहा है कि कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था। तो देखिए, ये वारंगल का जो क्षेत्र है, ये विजयनगर के शासक और बहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था, जबकि कृष्णा तुंगभद्रा का दुआब क्षेत्र, गोदावरी कृष्णा का डेल्टा क्षेत्र और मराठवाड़ा का कोंकण, ये सब जो है विवाद का क्षेत्र था। इन सभी के लिए ये दोनों आपस में संघर्ष करते रहते थे। अब देखिए, विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश तो संगम राजवंश, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश संगम राजवंश। विजयनगर के किस शासक की उपाधि गज बेटेकर थी? विजयनगर की जो आपके देवराय द्वितीय, देवराय जिसे प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है, इसकी उपाधि गज बेटेकर की थी। आगे देखिए, विजयनगर के देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती किया, जिन्हें जागीरें प्रदान करी और एक मस्जिद का निर्माण कराया तथा जो कुरान की एक प्रति अपने राज सिंहासन के सामने रखा करता था। तो ये कौन था? विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में मुसलमानों को भर्ती किया और उन्हें एक जागीरें भी प्रदान करी, एक मस्जिद का भी निर्माण करवाया तथा कुरान का एक प्रति एक कॉपी जो है अपने राज सिंहासन के सामने ये रखा करता था देवराय द्वितीय। ठीक है, अब देखिए, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने बीदर के सुल्तान, जो कि बहमनी साम्राज्य में आता है, बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण करी। याद रखिएगा, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने सुल्तान बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण करी। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि जो किस विजयनगर सम्राट ने, कृष्णदेव राय ने उम्मातुर के विद्रोही सामंत गंग राय का दमन किया। याद रखिएगा, किस विजयनगर सम्राट ने, तो कृष्णदेव राय ने उम्मातुर के विद्रोही सामंत गंग राय का दमन किया। गंग राय का दमन किसने किया? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुआ। इसका क्या परिणाम हुआ है भैया? तो इसका परिणाम ये हुआ कि विजयनगर को घोड़े की पूर्ति का एकाधिकार मिला, पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिली और अनेक पुर्तगाली व्यापारी व यात्रियों ने विजयनगर का भ्रमण पर ये लोग आए। तो ये इसमें सभी हो जाएगा। ठीक है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। अब देखिए, कहा जा रहा है विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। तो ये हरिहर द्वितीय ने बहमनियों से गोवा को छीना। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता भू राजस्व थी। अठवन का मतलब होता है भू राजस्व विभाग। याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं, कहा जा रहा है वह युग्म जो सुमेलित नहीं है उसको इंगित कीजिए। तो बाज बहादुर किसका शासक? मालवा का। कुतुब शाह गोलकुंडा। सुल्तान मुजफ्फर शाह जो है ये गुजरात का। और यूसुफ अदिल शाह बीजापुर का संस्थापक था। याद रखिएगा मलिक अहमद अहमदनगर का संस्थापक था। ठीक है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज जो थे वो आठ तेलुगु कवि थे। अब आगे देख लेते हैं, कहा जा रहा है कि जो राजवंश है और उससे संबंधित राज्य है। ठीक है, राजवंश और उसे अदिल शाही राजवंश किससे संबंधित है बीजापुर से संबंधित ठीक है अदिल शाही राजवंश जो है बीजापुर जिसका संस्थापना यूसुफ अदिल शाह ने किया था। अब देखिए, कुतुब शाही के बारे में अगर बात करते हैं तो कुतुब शाही राजवंश से संबंधित राज्य गोलकुंडा को जो राजवंश शासन करता था वो कुतुब शाही था। ठीक है, कुतुब शाही। अब निजाम शाही देखिए, अहमदनगर जिसका स्थापना अली अहमद ने किया था। और इमाद शाही राजवंश, इमाद शाही राजवंश
कि जो संस्था इमादशाही राजवंश किससे संबंधित है, तो बरार से। और इससे इसके संस्थापक कौन थे इमादशाही राजवंश में, या फिर बरार के जो संस्थापक थे वो कौन थे, फतेह उल्लाह इमादशाह। ठीक है, याद रखिएगा, फतेहउल्लाह इमादशाह। अब देखिए, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था, तो ये जौनपुर को कहा जाता था। कलहन की राज तरंगिणी, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, इसको किसने आगे बढ़ाया, तो जोन राज और श्रीवर ने याद रखिएगा। ये कि कलहन राज तरंगिणी किसकी बुक है, कलहन की है, और इसका सही अर्थों में ये पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का ग्रंथ प्राप्त है और इसको आगे बढ़ाया जोन राज और श्रीवर ने। अपनी मुद्रा विजय या वीर कंपराय चरित्र कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री थी गंगा देवी। कवियत्री कौन थी, गंगा देवी। बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जो कि हसन गंगू के नाम से जाना जाता है, इसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना करी। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन किस एक काल में सक्रिय थे, तो विजयनगर राज्य काल में। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किसके काल में सक्रिय थे, तो विजयनगर राज्य काल में। अब देखिए, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, तो 1565 ईस्वी में तालिकोटा का युद्ध हुआ था। 1565 ईस्वी में तालिकोटा का युद्ध हुआ था, समझ में याद रहेगा, तालिकोटा का युद्ध। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है कश्मीर का शासक जो कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता था, जैनुल आबदीन, जो कि कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब देखिए कहा जा रहा है, कृष्णदेव राय की आमुक्त माल्यद यानी कि आमुक्त माल्यद काव्य की रचना किस भाषा में की। कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्यद की रचना जो है तेलुगु भाषा में करी। कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्यद जो कि काव्य थी, इस काव्य की रचना तेलुगु भाषा में करी। अब देखिए, कृष्णदेव राय का राजकवि था पेदन्ना याद रखिएगा। अब देखिए, इनमें से आंध्र भोज भी कहा जाता है। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय को आंध्र पितामह आंध्र भोज, ठीक है, तो ये सब कहा जाता है, याद रखिएगा। विजयनगर के शासक आंध्र कृष्णदेव राय को आंध्र पितामह भी कहा जाता है। अब किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है, तो ये कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। कुछ पुस्तक है और उससे संबंधित लेखक है, इसे मिलान करने के लिए कहा जा रहा है। तो पुस्तक मनुचरितम के लेखक कौन थे, अल्लासनी पेदन्ना, जो कि कृष्णदेव राय के राजकवि थे। मनुचरित पुस्तक के लेखक थे अल्लासनी पेदन्ना। परिजात अपहरणम के पुस्तक थे नंदी तिमैया थे। पांडुरंग महात्म्य के लेखक थे तेनाली रामकृष्ण। और आमुक्त माल्यद के रचनाकार थे कृष्णदेव राय, जो कि एक काव्य रचना है और इसमें की तेलुगु भाषा में लिखा गया है। ठीक है, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया, तो कृष्णदेव राय ने कृष्णा स्वामी मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, हजार रामा स्वामी मंदिर इसका निर्माण करवाया था, जबकि मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने नहीं करवाया था। कहा जाए कि इस पुस्तक में कृष्णदेव राय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है, तो ये आमुक्त माल्यद में मिलता है। ठीक है, आमुक्त माल्यद में। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि ये कि विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया, तो ये किसने किया था भैया, ये किया था आपके कृष्णदेव राय ने। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने विवाह कर यानी कि जो मैरिज टैक्स होता था उस जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया। ठीक है, याद रखिएगा, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ, तो अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत हुआ था। अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दे दिया गया था। तो अहमदनगर, जिसकी स्थापना अली अहमद ने करी थी, तो अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दे दिया गया था। इस प्रकार इसका पतन हुआ था। ठीक है,
आगे देखिए कहा जा रहा है कि जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना करी तब विजयनगर साम्राज्य का शासक था वेंकट द्वितीय। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना करी थी तब विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक शासक कौन था? वेंकट द्वितीय था। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी, तो ये इब्राहिम आदिल शाह को। किसे कहता था? इब्राहिम आदिल शाह को याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं, कहा जा रहा है कि तुलुव वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? तो वास्तविक सत्ता जो थी वो किसके हाथ में थी? राम राय या फिर राम राजा के हाथ में। तुलुव वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय वास्तविक सत्ता राम राय या फिर राजा राम राजा के हाथों में थी। ठीक है, हाथों में थी। अब देखिए, भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस पंकड़ी का युद्ध, या फिर उसे तालीकोटा का युद्ध बोलते हैं, या फिर बन्नी हट्टी का युद्ध बोलिए, 23 जनवरी 1565 को जो कि हुआ के समय में विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य का शासक उस समय था सदाशिव राय, और इसके समय में जो वास्तविक सत्ता थी वो राजा राम के हाथों। तालीकोटा के युद्ध का कारण क्या था? तो राम राय का दक्षिणी सल्तनतों के साथ दंभपूर्ण व्यवहार और उनकी अंतर राजनीति में सच हस्तक्षेप था। ठीक है, और दूसरा, विजयनगर के प्रति दक्षिणी सल्तनतों की समान ईर्ष्या व घृणा की भावना तालीकोटा के युद्ध का कारण बना, जिसे हम राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, हन्नीबट्टी का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों के द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? तो विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों के द्वारा बनाए गए महासंघ में बरार शामिल नहीं था, जबकि बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा ये सब शामिल था। अच्छा, किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? तो ये है आपका तालीकोटा का युद्ध। किस यात्री ने तालीकोटा का युद्ध 1565 के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनष्ट वैभव पर टिप्पणी की थी? तो ये किसने किया था? तो सीजर फ्रेडरिक ने, याद रखिएगा, सीजर फ्रेडरिक ने, जो कि तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का इसने भ्रमण किया और राजकीय नगर के विनष्ट वैभव पर इसने टिप्पणी करी थी। विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित मंदिर है? तो विट्ठल स्वामी का जो मंदिर है यह विट्ठल के रूप में विष्णु भगवान को समर्पित है। किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? किस मंदिर के? तो याद रखिएगा, हजार रामा स्वामी मंदिर में रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं। तो हजार रामा स्वामी मंदिर किसने बनाया? तो यह बनाया था कृष्णदेव राय ने। मदुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो मदुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा, ये करवाया था मदुरा के नायकों ने मदुरा के मीनाक्षी मंदिर का निर्माण करवाया था। सैवों का अजंता निपाक्षी को कहा जाता है। अब आगे देखिए, कहा जा रहा है कि ये बड़वा और उससे संबंधित कुछ बातें दी गई हैं, तो यहाँ से वही हमें लगाना है। चलिए आगे देखते हैं। बड़वा उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत में बसने वाले लोग को बड़वा कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसने वाले लोगों को बड़वा कहा जाता था। अच्छा, बेस वेग क्या होता है भैया? तो बेस वेग जो है वो दासों का क्रय विक्रय होता था, बेस वेग। अच्छा, राय किसे कहा जाता था? विजयनगर काल में राजा को राय कहा जाता था। और गंडपेंद्र जो होता था वो कौन? तो पैर में पहना जाने वाला सम्मान सूचक कड़ा। ठीक है, ये क्या गंडपेंद्र कहा जाता था। अब आगे देखिए, कहा जा रहा है कि यहाँ पर ये भंडारवाद ग्राम भूमि होता था, तो राज्य के विजयनगर साम्राज्य में तो राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि को भंडारवाद ग्राम भूमि कहा जाता था। जो मान्या भूमि होती थी वो राज्य के द्वारा कर मुक्त की मान्यता प्राप्त भूमि मान्या भूमि कहलाती थी। अमरम भूमि किसे कहा जाता था? तो सैनिक तथा असैनिक अधिकारियों को उसकी सेवा के बदले में दी जाने वाली भूमि को अमरम भूमि कहा जाता था। और रक्त कोड़गे भूमि कहा जाता था युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वालों को दी जाने वाली भूमि रक्त कोड़गे भूमि कही जाती थी रक्त कोड़गे भूमि कही जाती थी। आगे देखिए, कहा जा रहा है वीर पंचाल का क्या अर्थ है? तो दस्तकार वर्ग को वीर पंचाल कहा जाता था। दस्तकार वर्गों को वीर पंचाल कहा जाता था। कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, उबोली भूमि जो वाली भूमि होता था वो गांव के कुछ विशेष सेवाओं के बदले में दी जाने वाली कर मुक्त भूमि को कहा जाता था। जो कुट्टगी होता था वो पट्टे पर ली गई भूमि होती थी। कुदी जो होता था वो कृषक मजदूर होते थे। और जो मान्या भूमि होता था ये राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि नहीं होती थी,
राज्य के द्वारा ऐसी भूमि जिसे कर मुक्त की मान्यता दे दी जाती थी तो उसे मान्या भूमि कहा जाता था। और हमने अभी देखा भंडारवाद ग्राम भूमि जो होता था वो राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि को कहा जाता था, ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे देखिए, कहा जा रहा है कि मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद क्या था, तो प्रधानी या फिर महाप्रधानी। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि दो लिस्ट दिया गया है और उसे मिलाने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, तो इसे मिलाते हैं। चलिए, कहा जा रहा है कि सभानायक जो होता था वो मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। सभानायक जो होता था विजयनगर साम्राज्य में वो मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। सर्वनायक जो होता था वो मुख्य सचिव होता था। माने प्रधानम जो होता था वो गृह मंत्री होता था। और जो मुद्राकर्ता होते थे वो शाही मुद्रा को रखने वाले होते थे। तो याद रखिएगा, सभानायक मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था, सर्वनायक जो होता था वो मुख्य सचिव होते थे, माने प्रधानम जो होता था वो गृह मंत्री, और जो मुद्राकर्ता होते थे वो शाही मुद्रा को रखने वाले होते थे, ठीक है, शाही मुद्रा को रखने वाले होते थे। अब आगे देखिए, निम्न में से किस काल में प्रशासन का न्यायंकार व्यवस्था एवं आयंगर व्यवस्था प्रचलित थी। प्रशासन का न्यायंकार व्यवस्था और आयंगर व्यवस्था जो प्रचलित थी ये विजयनगर काल में प्रचलित थी, विजयनगर काल में प्रचलित थी। अमरम का अर्थ जागीर होता था। विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था, तो जिसे आयंगर कहा जाता था। विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय यूनिट पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिसे आयंगर कहा जाता था। अब देखिए, शिष्ट का अर्थ भूमि कर होता था। शिष्ट का अर्थ क्या होता था, भूमि कर होता था, याद रखिएगा, शिष्ट का अर्थ भूमि कर होता था। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग कदाचार के नाम से जाना जाता था। तेलुगु के कवियत्र में शामिल तिरुवल्लुवर नहीं थे। बल्कि नान्ने, तिकन और येरा प्रगड़, ये सब तेलुगु के कवियत्र में शामिल थे, ठीक है, तो तिरुवल्लुवर नहीं थे। आगे देखिएगा, कहा जा रहा है कि यहाँ पर मिलान कहा जा रहा है, राज्य और उससे संबंधित जो संस्थापक थे उसके बारे में बात कही जा रही है। राज्य और उससे संबंधित संस्थापक, तो जौनपुर का जो संस्थापना किया था मलिक सरवर के द्वारा किया गया था। इसे ख्वाजा खां की उपाधि भी दी गई थी। जौनपुर के संस्थापक मलिक सरवर, मालवा के संस्थापक दिलावर खां गौरी, गुजरात के संस्थापक जो थे जफर खां मुजफ्फर शाह, और बंगाल के जो संस्थापक थे वो आपका शमसुद्दीन इलियास शाह। अब आगे देखते हैं, खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था, तो खानदेश राज्य का संस्थापक था मलिक राजा फारूकी। खानदेश का संस्थापक था। तैमूरलंग के आक्रमण 1398 में जो कि हुआ था, इसके बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य था जौनपुर, ठीक है, इसके बाद गंगा के राज्य में स्थापित होने वाला राज्य था जौनपुर। कहाँ के शासक की उपाधि, सुल्तान उस्सुर्क यानी कि पूर्व का स्वामी था, तो ये आपका कहाँ का शासक था, जौनपुर के शासक को सुल्तान उस्सुर्क की उपाधि दी गई थी, आगे देखिए, कहा जा रहा है मालवा के किस शासक, तो मालवा के शासक बाज बहादुर के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर के द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया था। अहमदाबाद की स्थापना अहमद शाह प्रथम ने करी थी। आगे देखिए, महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था, तो गुजरात का प्रसिद्ध सुल्तान था। कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैन उल आब्दीन ने महाभारत, राजतरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद फारसी में करवाया था, जिसे कि कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था, ठीक है, कश्मीर महाभारत राजतरंगिणी इसका अनुवाद फारसी में करवाया था। कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बड़शाह यानी कि महान सुल्तान के नाम से भी याद किया जाता है, तो याद रखिएगा, जैन उल आब्दीन, जिसे कि कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था और इसीलिए महाभारत राजतरंगिणी इत्यादि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद फारसी में करवाया था। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया, तो ये करवाया था नुसरत शाह ने। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के सुल्तान नुसरत शाह ने करवाया था, ठीक है, याद रहेगा। अब देखिए, नीचे दिए गए भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया, तो ये पहला शासक था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। देखिए, भारत का पहला मुस्लिम शासक जिसने हिंदुओं से जजिया कर नहीं लेने का आदेश दिया ये था अलाउद्दीन हसन
बहमनसा। ये कौन था? अलाउद्दीन हसन बहमनसा। किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गेसुदराज बंदानवाज को भू अनुदान दिया था? याद रखिएगा, ये था आपका ताजुद्दीन फिरोज। किस बहमनी शासक ने? तो बहमनी शासक ताजुद्दीन फिरोज ने प्रसिद्ध सूफी संत मोहम्मद गेसुदराज बंदानवाज को भू अनुदान दिया था। भू अनुदान, भूमि अनुदान में दिया था, ठीक है, याद रहेगा। अब देखिए, कह रहा है बहमनी साम्राज्य का किसने चरमोत्कर्ष पर, तो महमूद गवा ने बहमनी साम्राज्य को चरम उत्कर्ष पर पहुंचाया था, चरम उत्कर्ष पर पहुंचाया था। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? टोडरमल का पूर्वगामी महमूद गवा को कहा जाता है, जिसके समय में बहमनी साम्राज्य अपने चरम उत्कर्ष पर था, जिसके समय में चरम उत्कर्ष पर था। बहमनी साम्राज्य का कुल कितने राज्य में विभाजन हुआ? तो टोटल 5 राज्यों में बहमनी साम्राज्य का विभाजन हुआ था। बहमनी साम्राज्य में सबसे पहले कौन राज्य स्वतंत्र हुआ था? तो बरार। बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले स्वतंत्र होने वाले जो राज्य थे वो बरार थे, ठीक है, याद रहेगा, बरार था। देखिए, बरार राज्य का विलय अहमदनगर के द्वारा कराया गया, ठीक है, बरार राज्य का, अहमदनगर का विलय शाहजहां ने कर लिया। बीजापुर व गोलकंडा का जो राज्य का विलय औरंगजेब के द्वारा कराया गया, ठीक है, और जो ये बीदर का विलय बीजापुर में हुआ, और बीजापुर बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में बीदर अलग हुआ था, बीदर स्वतंत्र हुआ था। तो बहमनी साम्राज्य से जो स्वतंत्र हुए राज्य थे, याद रखिएगा, सबसे पहले बरार और सबसे अंत में बीदर अलग हुआ था, बीदर स्वतंत्र हुआ था। और 5 राज्य बहमनी साम्राज्य से स्वतंत्र हुए थे, जिसमें कि बरार था, बीदर था, गोलकुंडा था, बीजापुर और अहमदनगर था। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि अदीना मस्जिद कहाँ, तो अदीना मस्जिद बंगाल में स्थित है, अदीना मस्जिद बंगाल में स्थित है। अच्छा, अटाला मस्जिद कहाँ है भैया? अटाला मस्जिद की बात करें तो ये जौनपुर में स्थित है, ठीक है, अटाला मस्जिद जौनपुर में, अदीना मस्जिद बंगाल में। अब देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में स्थित है। अब आगे देखिए, कहा जा रहा है कि छोटा सोना मस्जिद ये बंगाल में है, झंझरी मस्जिद जौनपुर में है, हिंडोला महल मालवा में, और रूमी खां मस्जिद अहमदनगर में, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। अदीना मस्जिद बंगाल में, अटाला मस्जिद जौनपुर में, विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में, छोटा सोना मस्जिद बंगाल में, झंझरी मस्जिद जौनपुर में, हिंडोला महल मालवा में, और रूमी खां मस्जिद ये अहमदनगर में, ठीक है। आगे देख लेते हैं, कहा जा रहा है कि कृष्णदेव राय का उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा है? तो ये बीए स्मिथ ने कहा था। किसने? एक मिनट, ये कहा था नीलकंठ शास्त्री ने। किसने? नीलकंठ शास्त्री ने कहा था, ठीक है, नीलकंठ शास्त्री ने कहा कि कृष्णदेव राय का जो उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान, नीलकंठ शास्त्री ने कहा कि 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना, ठीक है। अब आगे देखिए, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर किसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, और वो कहां स्थित है? तो वो स्थित है कहां पर? हम्पी में। देखिए, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ जो हैं वो संगीतमय स्वर निकालते हैं। कभी जाइए विट्ठल मंदिर में, उसके 56 तक्षित जो उसका स्तंभ है वो संगीतमय स्वर निकालते हैं। वो कहाँ स्थित है? तो वो हम्पी में स्थित है। कहाँ पर? हम्पी में स्थित है। अब देखिए, कहा जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में कथनों पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, विजयनगर का उल्लेख उनके मसालों, वस्त्रों और रत्नों के बाजार के लिए होता है। विजयनगर का उल्लेख उनके मसालों, वस्त्रों और रत्नों के बाजार के लिए होता था, ठीक है। अब देखिए, कृष्णदेव राय का शासन साम्राज्यिक संरचना के अंदर सीखे तनाव से विशेषित था। अच्छा, अमर नायक सैन्य कमांडर होते थे जिन्हें राजाओं के द्वारा शासनार्थ क्षेत्र दिए जाते थे, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों विजयनगर के बारे में सही है, तीनों के तीनों विजयनगर के बारे में सही। निम्न में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? तो कौन? तो याद रखिएगा, ये नान्ने और ये तिक्कन, याद रखिएगा, नान्ने और तिक्कन जो थे महाभारत के तेलुगु अनुवाद के लिए विख्यात थे, ठीक है। अब हम देखते हैं 15वीं-16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन। तो सबसे पहले हम देखेंगे भक्ति आंदोलन को। भक्ति आंदोलन में देखिए, रामानुजाचार्य जो आचार्य हैं और उससे संबंधित कुछ मत, विचारधारा या फिर वाद, रामानुजाचार्य जो थे ये विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक थे प्रतिपादक थे। निम्बार्क आचार्य जो थे वे द्वैताद्वैत या फिर भेदावेद के आचार्य थे या फिर प्रतिपादक थे। माधव आचार्य जो थे वे द्वैतावाद के प्रतिपादक थे। विष्णु स्वामी जो थे ये शुद्ध अद्वैत
के प्रतिपादक थे। तो विशिष्ट अद्वैत के प्रतिपादक रामानुजाचार्य, द्वैत अद्वैत के प्रतिपादक निंबार्काचार्य, द्वैत के प्रतिपाद माधवाचार्य और आपके विष्णु स्वामी जो थे शुद्ध अद्वैत के आचार्य थे। ठीक है, अब देखिए कहा जा रहा है भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे रामानुजाचार्य, जो कि विशिष्ट अद्वैत के प्रतिपादक थे। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत नानक साहब थे। ठीक है, नानक साहब जी थे। ठीक है, आगे देखिए भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? तो ये दिया जाता है रामानंद को। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय रामानंद को दिया जाता है। महाभारत में महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्न में से किसकी शिक्षाओं के द्वारा फैला था? तो ये संत ज्ञानेश्वर के द्वारा फैला था। संत ज्ञानेश्वर के द्वारा महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय की शिक्षाएं फैली थी। कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु जो थे वो रामानंद थे। कबीर के गुरु रामानंद थे। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म हुआ था मगहर या वाराणसी में जन्म। ठीक है, आगे देखिए कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है? कौन सा वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है? तो दक्षिण भारत के जो भक्ति आंदोलन थे इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों के द्वारा किया गया था। ठीक बात है, इसने जाति व्यवस्था का भी विरोध किया था। तो ये दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? तो चैतन्य महाप्रभु जो थे वो गौड़िया संप्रदाय से जुड़े हुए थे। चैतन्य महाप्रभु गौड़िया संप्रदाय से जुड़े हुए थे। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य ने करी। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य ने करी। आगे देखिए किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया? किस संत ने ऐसा किया था? तो ये देखिए चैतन्य महाप्रभु जो कि गौड़िया संप्रदाय से संबंधित थे। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अभी हमने बात करी थी शंकराचार्य। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो शंकराचार्य जी थे। अब देखिए निम्न संतों का कालानुक्रम यहाँ पर कहा जा रहा है कि संतों के कालानुक्रम कब से कब तक थे? तो याद रखिएगा सबसे पहले आपका कबीर जी है, सबसे पहले कबीर जी, उसके बाद नानक जी, उसके बाद चैतन्य जी और तब जाकर के संत तुलसीदास जी। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा इस बात को। ठीक है, सबसे पहले कबीरदास जी, उसके बाद नानक जी, चैतन्य जी, तब तुलसीदास जी। ठीक है, आगे देखते हैं गीत गोविंद के रचयिता कौन? तो गीत गोविंद के रचयिता थे जयदेव। याद रखिएगा बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? तो असम में आंदोलन का प्रतिनिधित्व किए थे शंकर देव जी ने। गुरु नानक का धर्म उपदेश क्या है? तो मानव बंधुत्व का। गुरु नानक देव जी का धर्म उपदेश क्या? तो मानव बंधुत्व का। क्या? मानव बंधुत्व का। शंकराचार्य के द्वारा स्थापित मठ और कहां कहां पर किया गया ये ध्यान में रखना है। शंकराचार्य जी जो थे वो अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। अब देखिए श्रृंगेरी पीठ की स्थापना कहां हुई? तो मैसूर कर्नाटक में। श्रृंगेरी पीठ की स्थापना मैसूर कर्नाटक में। गोवर्धनपुर पीठ की स्थापना पूरी उड़ीसा में। ज्योतिष पीठ की स्थापना बद्रीनाथ उत्तर प्रदेश में। उस समय उत्तर प्रदेश, अभी वो बदल गया है। ठीक है, आगे देखिए शारदा पीठ की स्थापना द्वारका गुजरात में। तो याद रख लीजिएगा इन सारी की सारी बातों को, एक बार फिर से याद कर लीजिएगा। श्रृंगेरी पीठ मैसूर कर्नाटक में, गोवर्धन पीठ पूरी उड़ीसा में, ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में नहीं, ये बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। और शारदा पीठ द्वारका गुजरात में। आगे देख लेते हैं, कहा जा रहा है कि संतों के नाम है और संतों के कार्य क्षेत्र दिए गए। संतों के नाम और संतों के कार्य क्षेत्र, तो वल्लभाचार्य के जो कार्य क्षेत्र थे उत्तर प्रदेश और राजस्थान था। वल्लभाचार्य जी के जो कार्य क्षेत्र थे उत्तर प्रदेश राजस्थान था। चैतन्य महाप्रभु के जो कार्य क्षेत्र था वो बंगाल था। मीराबाई का राजस्थान था और नामदेव जी का महाराष्ट्र। तो वल्लभाचार्य उत्तर प्रदेश राजस्थान उनका कार्य क्षेत्र था या फिर वर्किंग प्लेस। आगे देखिए जो आपका चैतन्य महाप्रभु जी जो थे वो बंगाल से संबंधित थे, मीराबाई राजस्थान से और नामदेव महाराष्ट्र से। ठीक है, नामदेव महाराष्ट्र से। अब आगे देखिए कहा जा रहा है किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है? तो बंगाली भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का स्थान है। अब देखिए संत और कवि है और आगे देखिए उनकी रचनाओं की भाषा क्या थी। तो मीराबाई की रचनाओं की भाषा क्या? तो मीराबाई की रचनाओं की जो भाषा थी वो हिंदी थी। मीराबाई की रचनाओं की भाषा हिंदी थी। त्यागराज की रचनाओं की भाषा तेलुगु था। चंडीदास की रचनाओं की भाषा बांग्ला था, जिसने कि बांग्ला को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और पुरंदरदास की रचनाओं की भाषा कन्नड़ थी। मीराबाई की रचनाओं का जो भाषा था वो हिंदी था। त्यागराज की रचनाओं का भाषा तेलुगु था। चंडीदास की रचनाओं का भाषा बांग्ला था और पुरंदरदास की रचनाओं का भाषा कन्नड़ था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए भक्ति को दार्शनिक आधार
प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य रामानुजाचार्य, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य रामानुजाचार्य, ठीक है। महापुरुषीय धर्म यानी कि एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो एक शरण संप्रदाय के संस्थापक थे शंकरदेव, जिसे महापुरुषीय धर्म भी कहा जाता है। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के कलाडी या फिर कलादी गांव में हुआ। शंकराचार्य जी का जन्म 788 ईस्वी में केरल के कलाडी गांव में हुआ, केरल के कलाडी गांव में। आगे देखिए, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी, उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे। ठीक है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया अलवार और नायनार संतों के द्वारा। तो भक्ति आंदोलन के जो प्रारंभकर्ता थे वो अलवार नायनार संत, जो कि शैव संप्रदाय से संबंधित है, अलवार नायनार तो वो थे। रामानुजाचार्य रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है, तो रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है, रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बन गए, उनका जन्म हुआ था केरल में, ठीक है। आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म केरल में हुआ था। बीजक के रचयिता कौन है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान में रखिएगा, बीजक के रचयिता हैं कबीर जी, ठीक है, जिनके गुरु का नाम रामानंद था। भक्ति रस कवियत्री मीराबाई थी, भक्ति रस कवियत्री मीराबाई थी, एक राजपूत शासक की पत्नी, ठीक है, एक राजपूत शासक की पत्नी थी, राजस्थान से संबंधित थी। आगे देखिए, प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो मीराबाई के पति का नाम जो था यह था राजकुमार भोजराज। मीराबाई के पति का नाम था राजकुमार भोजराज, मीराबाई के पति का नाम राजकुमार भोजराज था, ठीक है। कहा जा रहा है कि बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था? तो बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था संसार दुखपूर्ण है। दोनों का मत था कि संसार जो है दुखपूर्ण है, संसार दुखपूर्ण है। आगे देखिए, कहा जा रहा है संसार दुखपूर्ण है। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है और जगत जो है ये मिथ्या है, भ्रम या माया है, या किसकी उक्ति है? ये शंकराचार्य जी की उक्ति है, शंकराचार्य जी की उक्ति है, ठीक है। आगे देखिए, कहा जा रहा है निम्न में से किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा भी दी है? तो प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा शंकराचार्य को दी गई है, प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा शंकराचार्य को दी गई है। रामानुजाचार्य को किस कट्टर शैव मतावलंबी चोल शासक के धमकी के कारण त्रिचनापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा था? तो ये किस शासक के कारण? तो कुलोत्तुंग प्रथम के कारण। रामानुजाचार्य को जो कुलोत्तुंग, जो कि एक कट्टर साहब मतावलंबी था, चोल शासक भी था, इसकी धमकी के कारण त्रिचनापल्ली को छोड़कर मैसूर जाना पड़ा था, ठीक है, कुलोत्तुंग प्रथम के कारण। आगे देखिए, कहा जा रहा है रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक बिट्टिक को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली। बिट्टिक ने अपना नाम बदलकर क्या रखा था? तो बिट्टिक ने अपना नाम बदलकर क्या रखा? तो बिट्टिक ने अपना नाम बदलकर विष्णुवर्धन रखा। रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक बिट्टिक को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली और बिट्टिक ने अपना नाम बदलकर विष्णुवर्धन रख लिया था, ठीक है। अब देखिए, कहा जा रहा है किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका था? तो ये कौन था? रामानुजाचार्य ने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका था, ठीक है, अब देखिए, दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? तो ये आपके निम्बार्क आचार्य जी थे। ये कौन थे? निम्बार्क आचार्य जी। अब देखिए, कहा जा रहा है महाराष्ट्र में विठोबा या फिर विठल, विष्णु का एक नाम है, आंदोलन का केंद्र था पंढरपुर। याद रखिएगा, महाराष्ट्र में विठोबा या फिर विठल आंदोलन का केंद्र था पंढरपुर। याद रखिएगा, किसने भागवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक वृहत टीका मराठी में लिखे, जिसने सामान्यतः ज्ञानेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है? तो ये कौन था? ज्ञानदेव जी ने भागवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक वृहत टीका मराठी में लिखा, जिसे ज्ञानेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है, ज्ञानदेव जी ने लिखा था। यदि संस्कृत देवभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दसवीं भाषा है? यह उक्ति किसकी है? यह एकनाथ की उक्ति है। यदि संस्कृत देवभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दसवीं भाषा है? यह किसने कहा था? एकनाथ जी ने कहा था। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो भक्त तुकाराम जहांगीर के समकालीन थे।
भक्त तुकाराम जहांगीर के समकालीन थे। निम्न में कौन सा एक सही कालानुक्रम है, देखिए शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य। सबसे पहले शंकराचार्य 788 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, तो ये सबसे पहले ही थे शंकराचार्य, उनके बाद रामानुज, तब जाकर के चैतन्य महाप्रभु, तो ये कालानुक्रम सही है। अच्छा देखिए, निम्न में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था, तो ये रामानंद जी ने किया था, जो कि कबीरदास जी के गुरु थे, ठीक है। तो सबसे पहले भक्ति के संदेश के लिए अपने हिंदी का प्रयोग रामानंद जी ने किया था। अब आगे देखिए, कहा जा रहा है कि कुछ संत हैं और उनका पेशा या व्यवसाय क्या था, वो पर उस पर ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। तो कुछ संत जैसे कि नामदेव जी पेशे से दर्जी थे, ठीक है, याद रखिएगा। अब कबीर जी पेशे से जुलाहा थे, रैदास जी जो कहता है कि कठौती में गंगा तो मोती थे। अच्छा सेना जी जो थे वो नाई थे, याद रखिएगा। तो नामदेव जी दर्जी, कबीर जी जुलाहा, रैदास जी मोची थे और सेना जी नाई थे, ठीक है। आप देख लेते हैं, कहा जा रहा है कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन है, तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु अगर हम बात करें तो ये हैं रामदास जी। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास जी, दास बोध के रचयिता रामदास जी ही थे, जो कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु भी थे, अच्छा जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का हुई। ये पंक्तियाँ किसकी है, तो ये पंक्तियाँ हैं रामानंद की, याद रखिएगा। जाति पाति पूछे न कोई, हरि का भजे सो हरि का होई, ये रामानंद जी की उक्ति है, जो कि कबीर जी के गुरु जी थे। गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी ननकाना में हुआ था, ठीक है, जो कि अभी पाकिस्तान में है, आप लोग जानते होंगे। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है, तो गुरु नानक जी को माना जाता है, सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक जी को माना जाता है। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय चैतन्य महाप्रभु को जाता है। चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थल क्या है, तो चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थल है नादिया या फिर नवद्वीप, जो कि बंगाल में ही पड़ता है। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था, तो उड़ीसा नरेश जो प्रताप रुद्र देव थे, ये चैतन्य महाप्रभु के संत शिष्य थे, देखिए अब आगे देखिए, कहा जा रहा है किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है, तो गौरांग प्रभु चैतन्य महाप्रभु को ही कहा जाता है। आज कुछ रचना है और उसके रचनाकार का नाम दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले पदावली की रचना किसने करी, तो पदावली की रचना विद्यापति जी ने ही करी थी, याद रखिएगा। पदावली की रचना, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने, सुरसागर की रचना सूरदास जी ने और बीजक की रचना कबीरदास जी ने। तो पदावली की रचना विद्यापति जी ने, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने, सुरसागर सूरदास जी ने और बीजक कबीरदास जी ने। आलसियों का मूल मंत्र क्या है, अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, करचेता कौन है, तो आलसियों का जो मूल मंत्र है अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काम, ये मूल मंत्र किसका है, तो ये मलुकदास जी का। ये इसके रचयिता कौन, तो मलुकदास जी है, ठीक है, मलुकदास। महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, के रचयिता कौन है, तो याद रखिएगा इसके रचयिता कौन थे, तो नरसिंह या फिर नरसिंह मेहता। महात्मा गांधी का जो प्रिय भजन था वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, वैष्णव जन वही है जो दूसरों के दुख को जानता है, इसके रचयिता कौन, तो नरसिंह मेहता जी, ठीक है, नरसिंह मेहता। अच्छा नरसिंह मेहता किसके प्रसिद्ध संत थे, तो याद रखिएगा गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। अच्छा मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था, तो ये शिव नारायण संप्रदाय का अनुयायी था। देखिए मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला शिव नारायण संप्रदाय का अनुयायी था। असम का चैतन्य शंकर देव जी को। और निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं थे, तो भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक तुकाराम थे, बल्लभाचार्य थे, त्यागराज जी थे, लेकिन ये नागार्जुन जो थे ये भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक या प्रस्तावक नहीं थे।
अब देखिए कहा जा रहा है, हम देखेंगे सूफी आंदोलन के बारे में। सूफी आंदोलन के बारे में, सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत क्या है? तो सूफी आंदोलन के क्या बोलते हैं, सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में, सूफ उन शब्द से हुई क्योंकि सूफी ऊनी कंबल या लबादा ओढ़ते थे। क्योंकि सूफी जो होते थे वो ऊनी कंबल या लबादा ओढ़ते थे। याद रखिएगा, सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत ये है कि सूफ यानी कि उन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई क्योंकि सूफी लोग जो होते थे वो ऊनी कंबल या लबादा ओढ़ते थे। सूफियों के बारे में क्या असत्य है? तो सूफियों के बारे में इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी, ये असत्य है। ये झूठा है कि इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी। इन्होंने उलेमा को चुनौती देते हुए उनके महत्व को निकाला, बिल्कुल सही बात है। इनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगीत से की जाती है, ये भी सही है। सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते थे, ये भी सही है। अच्छा, किसे खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक कहा जाता है कि सूफी ने खुद को अनहलक यानी कि मैं ईश्वर हूँ, अद्वैत मत के अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूँ के समान घोषित किया। अच्छा, किस सूफी ने खुद को अनहलक जिस घोषित किया जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया? तो ये किस सूफी ने कहा था? तो ये कहा था मंसूर अल हज्जाज। इसने कहा था कि अनहलक यानी कि मैं ईश्वर हूँ, अद्वैत मत के अहम ब्रह्मास्मि के मैं ब्रह्म के समान जो मैं ईश्वर हूँ इसने कहा, इसी के कारण इसे फांसी पर लटका दिया गया था मंसूर अल हज्जाज को। अब देखिए कहा जा रहा है वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? ये मोइनुद्दीन चिश्ती था। अब आगे देखते हैं, कहा जा रहा है कि भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? तो भारत में चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित किससे है? तो सूफी सिलसिला मूलतः इस्लाम से संबंधित है। इस्लाम रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है सूफी आंदोलन। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है सूफी आंदोलन। कुछ सूफी सिलसिला है और उनके संस्थापक भारत में कौन थे याद रखिएगा, ठीक है? भारत में कौन थे याद रखिएगा। तो सुहरावर्दी सूफी सिलसिला के जो संस्थापक थे भारत में वो कौन थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया। फिरदौसी सिलसिला के जो संस्थापक थे बदरुद्दीन समरकंदी। कदरी सिलसिला के जो संस्थापक थे मोहम्मद गौस गिलानी। और नक्शबंदी सिलसिला का जो संस्थापक था वो था ग्वाजा बकी बिल्ला। तो ये सब सूफी कुछ संप्रदाय थे और सिलसिला और उससे संबंधित संस्थापक के बारे में हमने बात किया। देखिए आगे कह रहे हैं कि भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? तो चिश्ती सूफी सिलसिले को भारत में सर्वाधिक लोकप्रियता मिली। फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी कौन थे? तो फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे आपका कौन? तो ये सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहया मनेरी। याद रखिएगा, फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी कौन थे? तो ये सर्वप्रथम सूफी थे सरफुद्दीन अहमद। याद रखिएगा, दारा सिखों ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? दारा सिखों ने कादिरी सूफी सिलसिले को अपनाया था। देखिए सूफी आंदोलन या फिर सूफी सिलसिले में पीर शेख मुर्शिद ये सब किसे कहा जाता था? तो गुरु या फिर मार्गदर्शक को पीर शेख या फिर मुर्शिद, ठीक है? आगे देख लीजिए, मुरीद किसे कहा जाता है? मुरीद सूफी सिलसिला में शिष्य को कहा जाता है। खलीफा किसे कहा जाता है? तो सूफी मत का जो अनुपालक होता है उसे खलीफा। और खानकाह किसे कहा जाता है? तो सूफी संतों का जो निवास स्थल होता था उसे खानकाह कहा जाता है। याद रखिएगा, ठीक है? तो पीर शेख या मुर्शिद गुरु या मार्गदर्शक को, मुरीद शिष्य को, खलीफा जो है सूफी मत का जो अनुपालक होता था उसे, और खान का सूफी संतों का निवास स्थल होता था। कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था? निम्न में कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था? तो देखिए, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चिश्ती सिलसिला का है, शेख हमीदुद्दीन नागौरी चिश्ती सिलसिला का है, और बाबा फरीद ये भी चिश्ती सिलसिला का था, जबकि शेख बहाउद्दीन जकारिया जो थे ये चिश्ती सिलसिला से नहीं बल्कि ये सुहरावर्दी सिलसिला सूफी सिलसिला से संबंधित थे, ठीक है? सुहरावर्दी चिश्ती सिलसिला से संबंधित थे। अब देखिए, चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चराग ए देहलवी यानी कि दिल्ली का दीपक कहा जाता है? तो चिश्ती सिलसिले के किसे? तो निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। एक मिनट, इसे शेख नसरुद्दीन को कहा जाता है। किसे? शेख नसरुद्दीन को कहा जाता है दिल्ली का दीपक, ठीक है? दिल्ली का दीपक। किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? किस सुल्तान से? तो याद रखिएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था, ठीक है? अब आगे देखते हैं,
निम्नलिखित सूफी सिलसिलों यानी कि संप्रदाय में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदी सूफी सिलसिला जो था, नक्शबंदी सूफी सिलसिला जो था वो संगीत के विरुद्ध था, संगीत के विरुद्ध था। अब देखिए, दारा सिको ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो सिर ए अकबर, याद रखिएगा सिर ए अकबर के क्या बोलते हैं टाइटल में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया दारा सिको ने। किसने? दारा सिको ने। तो ये देखिए कौन कौन सूफी थे, तो निजामुद्दीन औलिया सूफी संत थे, मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत थे। तो याद रखिएगा निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत थे। ठीक है, आगे देखते हैं सूफिया कलाम। ठीक है, सूफिया कलाम जो कि जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, ये किसकी विशेषता है? तो कश्मीर की। सूफिया कलाम जो कि एक प्रकार का भक्ति संगीत है, ये कश्मीर की विशेषता है, कश्मीर की विशेषता है। आगे देखिए कहा जा रहा है सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो ये पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में भारत राजस्थान आए थे। ठीक है, राजस्थान आए थे। अब देखिए प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? फतेहपुर सिकरी में। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? फतेहपुर सिकरी में। अब देखिए वदहत उल सहूद भारत के द्वैतवाद के जैसा वदहत उल सहूद सिद्धांत का समर्थक सूफी मुजाहिद जिसे धर्म सुधारक भी कहा जाता है और जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया था कि लयाकी वे पाखंडी हैं और यह दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रथम तीन खलीफाओं से भी आगे हैं, वो कौन था भैया? शेख अहमद फारूक सरहिंदी जो थे, ये वदहत उल सहूद सिद्धांत के समर्थक थे और इसने अपने आप को मुजाहिद कहा था और मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया था कि वे पाखंडी है और कहते हैं कि तीन खलीफाओं से भी हम आगे हैं। शुरुआत के मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन थे? मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी थे शेख नसीरुद्दीन चिराग ए देहलवी। अब आगे देखिए कहा जा रहा है कि सूफी को बख्तियार काकी यानी कि भगवान रोटियों वाला कहा गया, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन को ठीक है क्या कहा गया? बख्तियार काकी के नाम से भी जाना जाता था ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। अब आगे देखिए कहा जा रहा है किसी सूफी संत को सुल्तान ए तारिकीन यानी कि सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली, तो शेख हमीदुद्दीन नागौरी को सुल्तान ए तारिकीन यानी कि शेख हमीदुद्दीन नागौरी जो था वो एक सूफी संत था जिसे सुल्तान ए तारिकीन यानी संत तारिकीन मतलब सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि दी गई थी हमीदुद्दीन नागौरी को। अब देखिए शेख फरीदुद्दीन मसूद गंज ए सकर, थोड़ा सा क्रिटिकल नाम वगैरह है, याद करना थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन दो तीन बार सुनिएगा हो सकता है। ठीक है, तो शेख फरीदुद्दीन मसूद गंज ए सकर या फिर बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता था कि गतिविधियों का क्षेत्र कौन सा था? तो हांसी और अजोधन जो था वो शेख फरीद या बाबा फरीद का गतिविधियों का क्षेत्र था, शेख फरीद या फिर बाबा फरीद। अब आगे देखिए कहा जा रहा है कि काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? तो ये था अमीर खुसरो। काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? तो ये था आपका अमीर खुसरो। काव्य अभिव्यक्ति यानी कविताओं के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला, ठीक है, ये कौन था? तो ये था अमीर खुसरो। अब देखिए कहा जा रहा है किसी सूफी को महबूब ए इलाही कहा जाता था, तो किस सूफी को? तो शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही यानी कि अल्लाह के प्रिय को इन्हें ही कहा जाता था। किसे? शेख निजामुद्दीन औलिया को। आगे देखिए कहा जा रहा है किसी सूफी संत ने कहा था हनोज दिल्ली दूर अस्त यानी कि अभी दिल्ली दूर है, किस सूफी संत ने ऐसा कहा था? तो ये कहा था शेख निजामुद्दीन औलिया ने। किस सूफी संत ने कहा था हनोज दिल्ली दूर अस्त यानी कि अभी दिल्ली दूर है? ये कहा था शेख निजामुद्दीन औलिया ने। दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले का नींव रखने वाला कौन था? तो दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले का नींव रखने वाला था शेख बुराहनुद्दीन गरीब जो था, इन्हें चिश्ती सिलसिले का नींव रखने वाला दक्षिण भारत में यही था। ठीक है, अब आगे देखिए कहा जा रहा है कि मिराज उल आसिकी यानी कि उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता कौन? तो सैयद मोहम्मद गेसुदराज बंदानवाज। मिराज उल आसिकीन जो कि उर्दू शायरी की पहली किताब थी, इसके रचयिता कौन थे? तो सैयद मोहम्मद गेसुदराज बंदानवाज। ठीक है, अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था उसके जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था, वह शेख सलीम चिश्ती था। वह कौन था? शेख सलीम चिश्ती था। ठीक है, याद रखिएगा शेख सलीम चिश्ती। अब आगे देखते हैं कहा जा रहा है कि चिश्ती सिलसिला तथा सुहरावर्दी सिलसिला, चिश्ती सिलसिला जो कि सूफी संप्रदाय थे, चिश्ती सिलसिला चाहे सुहरावर्दी सिलसिला के तुलना के संदर्भ में क्या सही है? तो चलिए देखते हैं एक एक करके।
चिश्ती, चिश्ती यानी चिश्ती समा यानी कि संगीत सभा और रक्स नृत्य में विश्वास करते थे जबकि सुहरावर्दी नहीं। तो बिल्कुल सही बात है, सुहरावर्दी नहीं करते थे जबकि चिश्ती जो थे वो संगीत सभा या फिर नृत्य ये सब में विश्वास करते थे, ये सब में विश्वास करते थे। तो ये सही हो जाएगा। आगे देखिए, चिश्ती राजकीय संरक्षण व धन संचय में विश्वास नहीं करते थे जबकि सुहरावर्दी करते थे। चिश्ती राजनीतिक पचड़े से दूर रहते थे जबकि सुहरावर्दी राजनीतिक मसले में पर्याप्त दिलचस्पी रखते थे। चिश्ती हिंदू व मुस्लिम दोनों समाज में लोकप्रिय हुआ जबकि सुहरावर्दी केवल मुस्लिम समाज में। ठीक है, तो दो यहाँ सब के सब सही हो जाएंगे। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी? तो शेख उल इस्लाम कहा गया था शेख बहाउद्दीन जकारिया को, जो कि शेख बहाउद्दीन जकारिया जो कि सुहरावर्दी सिलसिला के प्रतिपादक थे, उसे किसने इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की भी उपाधि दी थी, शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। अब देखिए, किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? तो फिरदौसी सीते जो सूफी सिलसिला था इसके उसका गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था, इसके गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था। अब देखिए, सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहिया मनेरी का कार्य क्षेत्र क्या था भाई? तो सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहिया मनेरी का कार्य क्षेत्र था, याद रखिएगा, बिहार शरीफ, बिहार शरीफ। अब देखिए, फारसी में रचित मजमा उल बहरैन यानी कि दो समुद्रों का संगम जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है और इसके रचयिता कौन? तो इसके रचयिता थे दारा सिकू, याद रखिएगा, इसके रचयिता फारसी में रचित है कौन? फारसी में रचित है मजमा उल बहरैन, दो समुद्रों का संगम जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है, इसमें दारा सिकू ने इसका इसके रचयिता है। कि किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भागवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया? तो ये किया था किसने? दारा सिकू ने। देखिए, संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवद्गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में दारा सिकू ने किया। किसने किया? दारा सिकू ने। किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों से भरते थे? तो ये नक्शबंदी सूफी संप्रदाय के थे जो कि नाच गान में विश्वास नहीं रखते थे। अब मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी? तो यह औरंगजेब को नक्शबंदी सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और इसने अपनाया भी, इस औरंगजेब ने इस नक्शबंदी को अपनाया था। ठीक है, अब आगे देखिए, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी शेख सलीम चिश्ती को, शेख सलीम चिश्ती को की गई थी। अब आगे देखिए, कहा जा रहा है कि कुछ गलत युग्म को पहचानने, चिश्ती का जो क्षेत्र था वो दिल्ली और दुआब, सुहरावर्दी का जो क्षेत्र था सिंध, औलिया का क्षेत्र सिंध नहीं था, ठीक है, मध्य प्रदेश नहीं, और फिरदौसी का बिहार था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब आगे देखिए, कहा जा रहा है मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? तो किस तरह के आचरण का? तो देखिए, सूफी संत ध्यान साधना, श्वास नियमन का निर्वाह करते थे, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम करते थे और श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्ष उन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन भी करते थे सूफी संत। तो ये सभी के सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद जो है इसके बाद की क्लास में मुगलकालीन इतिहास को पढ़ लेंगे, तो उसके बाद हमारा क्या होगा, मध्यकालीन भारत कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम दो क्लास में जो है आधुनिक भारत को कवर करेंगे और इस प्रकार से धीरे धीरे करके हम पूरे ल्यूसेंट के ऑब्जेक्टिव को, अच्छा ल्यूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव साइंस वाला हम लोग नहीं करेंगे बल्कि साइंस का जो 30-30 क्वेश्चन का सेट आ रहा है उसी में हम पूरा ल्यूसेंट या फिर जो भी बुक्स है, चाहे बीपीएससी का क्वेश्चन हो, जेएसएससी का क्वेश्चन हो, बीएसएससी सीजीएल, जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं उन सब के क्वेश्चन को बीच में ऐड करेंगे, तो हम लोग ल्यूसेंट इस प्रकार से कवर करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।